चलिए तो बेटा ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं और बातें भी करते रहेंगे जो जरूरी है। ठीक है, एनिमल्स इन विच डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट एंड दे लिव फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग आर कॉल्ड। चलिए जल्दी से आंसर करना स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे आप सभी बच्चों। ये सब बेटा क्रैश कोर्स में एनसीईआरटी में दिया गया, मेनली हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। यस, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया है, इन्हें ओवी पैरस कहा जाता है, जहां पर जायगोट का डेवलपमेंट, बेटा देखिए दो चीजें ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ, लेकिन जायगोट का जो डेवलपमेंट है ऑर्गेनिज्म में वो बॉडी के बाहर होता है, तो इसे ओवी पैरस कहते हैं। अब मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि किन वर्टिब्रेट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ओवी पैरस कंडीशन पाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्लस ओवी पैरस डेवलपमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, आप आंसर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम पहुंच चुके हैं, जल्दी से बेटा सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे बेटा, थोड़ा सा साइज और बड़ा कर देता हूँ। एनिमल इन विच डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट दैट इज दे गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड, गिव बर्थ टू यंग वंस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यस, गौरव ने सही आंसर किया, जो पिछला क्वेश्चन मैंने पूछा था बेटा बर्ड और मैमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ ओवी पैरस डेवलपमेंट पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओवी पैरस, ऑर्निथोरिंकस भी सही जवाब है, वेरी गुड, ऑर्निथोरिंकस भी सही जवाब है, रेप्टाइल बर्ड एंड ऑर्निथोरिंकस। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी दैट इज वीवी पैरस कंडीशन। वीवी पैरस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और बच्चे का डेवलपमेंट भी माँ की बॉडी के अंदर होता है। ज्यादातर ये कंडीशन पाई जाती कहाँ पर, मैमल्स में प्रेजेंट होती, ज्यादातर मैमल में, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी हैं जैसे ऑर्निथोरिंकस। तो 2 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल आर फाउंड इन, ध्यान दीजिएगा बेटा, फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल आर फाउंड इन। कैलकेरियस सेल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच होता है, उससे अंडे कवर्ड होंगे, कहाँ पर ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। यस, 3 का आंसर भी आ चुका है, रेप्टाइल एंड बर्ड, नीलम वाजपेयी, दीक्षा आदर्श, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ, अगर कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करता है तो ये किसकी शुरुआत है, किसकी शुरुआत है, जल्दी से बताएंगे, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज या रिप्रोडक्टिव फेज या सेनेसेंट फेज, इसमें भी बच्चे गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इशु, आयुषी, प्रतिभा, शैलेंद्र, वेरी गुड बेटा, दैट इज द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जब किसी प्लांट में फ्लावरिंग की शुरुआत होती है तो इसका मतलब ये कि उसमें रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। बेटा ये क्रैश कोर्स मैंने फिगर आपको इंडिकेट किया था और आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से आप पहचानेंगे कि किसका फिगर है, और ये मेल और फीमेल थैलस बेटा आपको पहचानना है, मेल और फीमेल थैलस को कैसे पहचानेंगे ये आप देखिए। डॉक्टर पीहू ने आंसर किया है, वेरी गुड दीपक यादव, यस, ए हो जाएगा बेटा, जो ए वाला फिगर है फीमेल थैलस है और बी वाला फिगर मेल थैलस को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा किसका थैलस है ये भी मुझे बताइए, कौन सा प्लांट आपको यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, इस प्लांट का जल्दी से नाम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो प्लांट आपको दिखाया गया इस प्लांट का नाम बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर, यस, आयुष, अंश, गौरव, मार्केंशिया, बेटा ये मार्केंशिया है, ठीक है, मार्केंशिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच चुके, मेनी मैमल विच आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज आर कॉल्ड, जो मैमल अपने रिप्रोडक्टिव फेज में पूरी फेज के दौरान एक्टिव होते हैं, दीज आर नेम्ड एज, वेरी गुड, कामिनी, तृप्ति, रागिनी, वेरी गुड, अजाज, वेरी गुड, कंटिन्यूअस ब्रीडर कहा जाता है इन्हें, कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर का कोई एग्जाम्पल अगर आप जानते हो तो बता सकते हैं, कोई
ऐसा मैमल जो कंटिन्यूअस ब्रीडर हो, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कोई कंटिन्यूअस ब्रीडर जिसका एग्जांपल आप जानते हो जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बेटा, ज्यादातर बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। गौरव ने कहा है यस मैन, मैन की बात करें ह्यूमन, यस ह्यूमन बेटा कंटिन्यूअस ब्रीडर होता है। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन में कोई सीजन नहीं होता है, हर सीजन में बच्चे पैदा होते हैं, यानी ह्यूमंस कोई सीजनल ब्रीडर नहीं, दैट इज कंटिन्यूअस ब्रीडर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन टू पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इट इज कॉल्ड, चलिए जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर शबा शेख अमर हयात, वेरी गुड बेटा, दैट इज नेम्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा जब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो फिर निश्चित रूप से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहलाएगा। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे खास बात है फ्यूजन ऑफ द गैमेट, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम पहुंच चुके हैं। वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ए सर्टेनिटी दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट, यानी दुनिया में कोई भी अमर नहीं है लेकिन किसको छोड़कर कुछ एक्सेप्शन है। यस रोशनी नाज, वेरी गुड बेटा। सुनील कुमार मिश्रा, यस बेटा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अमीबा पैरामीशियम और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है दोनों, तो जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में नेचुरल डेथ नहीं होती है, यानी ये इमॉर्टल होते हैं। और इमॉर्टल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटा यहाँ पर इनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती, ये जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनकी खुद की बॉडी दो डॉटर में डिवाइड हो जाती है। क्लियर, चलिए जल्दी से बढ़ते रहेंगे बेटा। अगले सवाल पे हम पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। मैच द कॉलम, एकदम फ्री का नंबर होता है हमेशा मैं आपसे कहता हूं, तो जल्दी से मैच करके मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में गलतियां कर रहे हैं बेटा आप लोग। स्नेह ने गलत कर दिया, आशुतोष ने गलत कर दिया, प्रीति ने सही किया, साक्षी ने सही किया है। 9 का आंसर 1 हो जाएगा बेटा यहाँ पर, यानी कैलकेरियस सेल रेप्टाइल में आपको मिलेगा एग में। प्राइमेट मैमल की बात करते हैं तो बेटा एप को मैच कर सकते हो यहाँ पर। नॉन प्राइमेट की बात करें तो डॉग हो जाएगा। आइसोगैमेट क्लेडोफोरा में, हेट्रोगैमेट फ्यूकस में, ये सब एनसीईआरटी में आपको दिया गया और सब कुछ क्रैश कोर्स में मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 10, एनिमल विच पजेस क्लेडोइक एग एग्जिबिट, चलिए ये बहुत बढ़िया सवाल, ये एनसीईआरटी के बाहर का है। क्लेडोइक एग का मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, क्लेडोइक का मतलब कैलकेरियस, यानी जिन एग के ऊपर बेटा कैलकेरियस शेल पाया जाता है उसे क्लेडोइक एग का नाम दिया जाता है। तो जिन एनिमल में क्लेडोइक एग होता है उनमें क्या होता है। शान, वेरी गुड बेटा। ईशु सिंह, मोहम्मद मुख्तियार, यस बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। बेटा कैलकेरियस सेल कहाँ पे आपने देखा, अभी मैंने पहला क्वेश्चन कराया था रेप्टाइल और बर्ड में, तो रेप्टाइल और बर्ड में फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है लेकिन डेवलपमेंट कैसा है, एक्सटर्नल होता है, जिसे आप कहते हैं ओवीपेरस डेवलपमेंट। बहुत कुछ सीखेंगे बेटा, बस आपको कंटिन्यूअसली आंसर करना है, कंटिन्यूअसली आपको क्रैश कोर्स करना है, कंटिन्यूअसली लगे रहना है। संडे को एक 5 घंटे की क्लास मैं लूंगा, ठीक है, आप सोचिए 5 घंटे में मैं आपको क्या कराने जा रहा हूँ। संडे को 12 बजे से 5 बजे क्लास में करने वाला हूँ बेटा, और उस 5 घंटे की कंटिन्यूअस क्लास होगी, बीच बीच में गैप दूंगा मैं 5-5 मिनट का, ठीक है, 2-2 घंटे के बाद। तो चलिए बताइए, गेस करिए कि उस 5 घंटे में हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भी बताइए, इस प्रोसेस के बारे में बताया गया। प्रतिभा, स्नेह, मोहित, यस, जो बेटा प्रोसेस आपको बताया गया जिस प्रोसेस की वजह से कॉन्टिन्यूटी मेंटेन है लाइफ की, दैट प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन, वेरी गुड। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग फिगर शोज, बहुत आसान सा फिगर है बेटा ये फिगर, जो आपको दिया गया फिगर आपको क्या बता रहा है। हाँ नीतीश मिश्रा, रिकॉर्ड तो बनेगा बेटा, 500 क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा कि कोई करवा रहा है, या 5 घंटे में कोई करवा सकता है, ये हम ही लोग कर सकते हैं क्योंकि लोग 1 घंटे में 10-15 क्वेश्चन कराते हैं, वो भी बायो में, है ना। फिजिक्स के लिए रिया, फिजिक्स के लिए बेटा हम लगातार कर रहे हैं, 60 क्वेश्चन रोज आपको कराए ही जा रहे हैं। रिचा, थैंक यू बेटा। मुशर्रफ, वेरी गुड। राज, बेटा यहाँ पर अगर आप डी ऑप्शन तक नहीं जाओगे तो फिर गलत होगा,
दैट इज अनइक्वल बडिंग इन ईस्ट। बेटा ईस्ट आप पहचान रहे हो, इसमें बडिंग पहचान रहे हो, लेकिन सी ऑप्शन में इक्वल बडिंग लिखा इसलिए गलत। बेटा एक स्मॉल बड बनती है तो ये अनइक्वल बडिंग का केस बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको क्रैश कोर्स में भी डिस्क्राइब किया था कि बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर ऑर्गेनिज्म अपनी तरह के बच्चों को पैदा करता है, उसे उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, यस सगुन, दैट इज नेम्ड एज रिप्रोडक्शन। इसमें तुम लोग बहुत तेज आंसर कर रहे हो, इसे मुझे कहना नहीं पड़ रहा कि आंसर जल्दी करना है ना, बहुत होशियार हो। तो तुम लोग का फेवरेट टॉपिक चल रहा है, तो अभी तो ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चल रहा है, अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा जब तीसरा चैप्टर, तब क्या हाल होगा। तुम लोग इतनी तेज अगर यहाँ पे आंसर कर रहे हो तो वहां मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आने से पहले ही है। और सेशन को लाइक भी करें, उसमें भी ना शर्माए, अगर इसमें नहीं शर्मा रहे हैं उसमें भी नहीं शर्माना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट, ध्यान दीजिएगा, सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, यस दैट रिप्रोडक्शन इज नेम्ड एज 14 में, यस वेरी गुड बेटा आयुष, पुनीता, मोहम्मद इमरान, यस दैट इज नेम्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन, अब जितने एग्जांपल हो सकते हैं वो सारे एग्जांपल आपके सामने लिखे, आपको सेलेक्ट करना है इनमें से कौन सा सही एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 15, दानिश अंसारी, रूपाली, वेरी गुड बेटा, डी आंसर हो जाएगा, यानी रोटीफर हो जाएगा बेटा। रोटीफर के अलावा बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा हनी बी के अलावा सम लिजर्ड हो जाएगा और तुर्की बर्ड। ये चार केस एनसीईआरटी ने दिए जहां पर पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है। बेटा पार्थिनोकार्पी अलग है और पार्थिनोजेनेसिस अलग प्रोसेस है, दोनों अलग घटना है। इन रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म द फर्टिलाइजेशन इज, बेटा मैंने आपसे कहा था एक्सटर्नल आप याद रखिएगा तो इंटरनल आप आसानी से कर लोगे। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। सगुन बेटा आपने गलत किया है आंसर, ठीक है। मुशर्रफ आपने सही किया बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बेटा एक्सटर्नल में खास तौर से आपको याद रखना है बोनी फिशेस के बारे में, एल्गी के बारे में आपको याद करना है और एम्फीबियन के बारे में आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बेटा, पंचानन महेश्वरी इनकरेज्ड जनरल एजुकेशन एंड made a significant contribution to school education by his leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher secondary school published by NCERT in, सबसे पहली जो टेक्सटबुक थी NCERT की जो आजकल हम लोग पढ़ भी रहे हैं, इसका पहला एडिशन पंचानन महेश्वरी के लीडरशिप में आया था। कब आया था ये आपको बताना है, यस स्तुति इशू मुख्तियार 1964 में पब्लिश किया गया था। और बेटा ये एनसीईआरटी ने आपको बताया है जो चैप्टर की शुरुआत में आपको दिया गया, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी था बेटा, अगर आपने क्रैश कोर्स को पढ़ा होता तो आप भी आंसर कर लेते यहाँ पर। चलिए तो अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, द फॉलोइंग फिगर शोज, ये जो फिगर आपको दिखाया गया फिगर क्या इंडिकेट करता है जल्दी से बताएंगे। ये तो दिखाई दे रहा है कि बेटा ये जायगोट बन रहा, मतलब कुछ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और ये फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, सुनील कुमार, स्तुति, यस बेटा स्तुति आपने सही किया है, रूपाली, यस बेटा होमोगैमेटिक कॉन्टेक्ट इन एल्गा। बेटा ह्यूमन में देखिए, ह्यूमन में दोनों गैमिट अलग अलग साइज में होते हैं, शेप में होते हैं, यहाँ पर दोनों गैमिट एक जैसे, इसलिए होमोगैमेटिक कहेंगे इसे, यानी दोनों गैमिट सिमिलर साइज में है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडो जिम्नो एनजीओ एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, जल्दी बताएंगे यहाँ पर बेटा। चारों ऑप्शन अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आपसे गलती हो जाएगी, जबकि आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ने जरूरी हैं, जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम पहुंच चुके हैं, डॉक्टर पीहू, वेरी गुड बेटा, नीतू, आकांक्षा, अनश, यस डी हो जाएगा बेटा। देखिए ये जो ऑर्गेनिज्म आपको बताया गया इनमें डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी होती है, और डिप्लॉयड अगर है बेटा तो गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा, मियोसिस से गैमीट का फॉर्मेशन होगा। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमेट मियोसिस से बनते हैं और हैप्लॉयड में माइटोसिस से गैमेट का फॉर्मेशन का, बेटा बहुत बेसिक चैप्टर है और इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चल रहे हैं इस समय बेटा,
20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड, ग्रोथ किस पीरियड को क्या कहते हैं? यस, 20 का आंसर बेटा यहाँ पर हो जाएगा। पीहू ने सही किया, प्रतीक ने सही किया है। वेजिटेटिव फेज इन प्लांट एंड जुवेनाइल फेज इन एनिमल। क्वेश्चन नंबर 21, इन सम एल्गी द टू गैमेट आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट, दीज गैमेट आर कॉल्ड। अगर मेल और फीमेल गैमेट को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन मेल है कौन सा फीमेल है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन बेटा चारों नहीं पढ़ोगे तो गलती होगी आपसे। रोशनी नाज ने सही आंसर किया है, 21 का डी। इन्हें हेट्रोगैमेट आप बेटा कह सकते हो, होमोगैमेट कहोगे या फिर आइसोगैमेट कहोगे, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर गैमेट में आप अंतर नहीं कर सकते तो फिर आइसोगैमेट या होमोगैमेट कहा जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आइसोगैमेट या होमोगैमेट कहाँ पाए जाते हैं। एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल दिया बेटा, ये एग्जाम्पल आप सबको पता होना चाहिए। जल्दी से आंसर करेंगे। अर्चना ने सही आंसर किया, ए हो जाएगा बेटा यहाँ पर। कारा की बेटा अगर हम बात करते हैं तो कारा यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज मोनोइसियस। मार्केशिया डायसियस हो जाएगा, कुकरबिट मोनोइसियस होते हैं। साइकस की अगर हम बात करते हैं तो साइकस डायसियस होता है और पाइनस मोनोइसियस होता है। बेटा साइकस और पाइनस का क्वेश्चन लगातार आपके नीट में पूछा जा रहा है, तो इनको अच्छी तरीके से आप कर लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट बाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ध्यान दीजिएगा बेटा और चारों ऑप्शन पढ़िएगा। 23 का आंसर यश स्तुति, वेरी गुड बेटा। आइदर ए और बी, बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन सेम इंडिविजुअल से भी हो सकता है और अपोजिट सेक्स के डिफरेंट इंडिविजुअल से हो सकता है। बेटा एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है या फिर क्रैश कोर्स को सही तरीके से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। 24 में आपसे पूछा गया, इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट द बाईसेक्सुअल कंडीशन इज डिनोटेड बाई, बाईसेक्सुअल कंडीशन को फंजाई और प्लांट में किस नाम से डिनोट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर यस अर्चना, अनसंसारी, अनामिका, आशुतोष ने गलत कर दिया बेटा। जो बाईसेक्सुअल कंडीशन होती है, इस कंडीशन को होमोथैलिक या मोनोइसियस के टर्म से डिनोट किया जाता है फंजाई और प्लांट में। यानी यहाँ पर अगर एल्गी की बात करें, फंजाई की बात करें, तो उसमें ये टर्म आप यूज कर सकते हैं। अगला फिगर बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 25, द फॉलोइंग फिगर शोज द, जो फिगर बेटा आपको दिया गया ये क्या शो कर रहा है? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, वन थर्ड क्वेश्चन बेटा हम कर चुके हैं इस समय। बेटा सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे, जल्दी से लाइक करें सभी बच्चे सेशन को। 25 का आंसर आशु, गौरव, पूजा, भूमिका, शुभम, बाइनरी फिशन इन अमीबा। ये अमीबा में बाइनरी फिशन है बेटा यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 पे हम पहुंच चुके हैं। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ध्यान दीजिएगा, मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट या इंडिविजुअल के ऊपर है, दैट कंडीशन इज नेम्ड एज। एंजियोस्पर्म के लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में लगातार पूछा जाता है। 26 का आंसर यस सविस्ता अलवी ने किया है, दैट इज मोनोइसियस। अगर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे हैं, दैट कंडीशन इज नेम्ड एज मोनोइसियस। क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑन योर स्क्रीन, कमेंट फास्ट। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट, दैट कंडीशन इज नेम्ड एज। अब इस कंडीशन का नाम आपको बताना है 27 के लिए। तो दोनों टर्म बेटा अच्छी तरीके से आपको पता होने चाहिए। गौरव यस, वेरी गुड बेटा। आर्यमान श्रीवास्तव, डायसियस कंडीशन कहते हैं, अगर मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट प्लांट पे हो, दैट कंडीशन इज नेम्ड एज डायसियस। कोई डायसियस प्लांट का जल्दी से नाम बताइए कमेंट करके, डायसियस प्लांट का नाम जल्दी से बताएंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टू मेथड यील्ड जेनेटिकली सिमिलर प्लांट, ये बढ़िया सवाल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। 28 के आंसर में 28 मनीष गुप्ता, मनीषा गुप्ता ने गलत किया बेटा। 28 का आंसर यस पपाया, वेरी गुड बेटा, पपाया हो जाएगा, डेट पाम हो जाएगा। 28 का आंसर भी बताइए, 28 का आंसर बच्चे गलत क्यों कर रहे हैं? जेनेटिकली सिमिलर प्लांट बेटा पूछा है, तो 28 का आंसर मुशर्रफ अहमद, यस सी हो जाएगा बेटा। 1 एंड 4
स्टेम कटिंग की अगर हम बात करते हैं और टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो इनसे जेनेटिकली सिमिलर प्लांट बनेंगे, लेकिन सीड प्रोडक्शन में बेटा वेरिएशन आएंगे और म्यूटेशन से भी वेरिएशन आएंगी, क्योंकि बेटा जो सीड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होने के नाते इनसे वेरिएशन क्रिएट होती है। मैच द कॉलम वन एंड टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कीर्ति, अमित, शिवम, अमान, दीक्षा, इन सभी ने सही आंसर किया है। 29 का आंसर बेटा यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कोकोनट। अभी आपने बताया कि कोकोनट डायसियस हो, सॉरी कोकोनट की बात करें बेटा तो कोकोनट मोनोसियस होता है, पपाया डायसियस होता है। टेपवर्म की अगर हम बात करते हैं तो टेपवर्म यहाँ पर मोनोसियस नेचर का होता है और अर्थवर्म भी मोनोसियस नेचर का होता है। तो पपाया केवल यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया गया है ये डायसियस है, बाकी सभी एग्जाम्पल यहाँ पर मोनोइसियस हो जाएंगे। देखते हैं किसने आंसर। काव्या, सुरेश, नीतू, अनामिका, आकांक्षा, द्विका, इन सबने सही आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 30, ए हैप्लॉयड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमीट बाई, ध्यान दीजिएगा हैप्लॉयड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था हैप्लॉयड पेरेंट में गैमीट कैसे बनते हैं और डिप्लॉयड पेरेंट में गैमीट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। प्रभात, अखिलेश, वेरी गुड बेटा। यहाँ पर बेटा हैप्लॉयड पेरेंट में गैमेट माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं और डिप्लॉयड पेरेंट में गैमेट मियोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस होते हैं। दानिश अंसारी, आर्यमान, पीहू, मोहित, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर आप सभी बच्चे कर रहे हो। स्पीड और थोड़ी सी हम बढ़ाएंगे क्योंकि स्पीड थोड़ी सी अभी स्लो हमने रखी शुरुआत में। ताहिर रजा, अमित गुंजन, यस ताहिर आपने गलत किया लेकिन आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इन ब्रायोफिलम द बड दैट अराइजेस फ्रॉम द नोचेस ऑफ मार्जिन ऑफ लीव्स आर कॉल्ड, इन बट को क्या कहते हैं। सान, इमरान, अखिलेश, इन्हें एडवेंटिशियस बट के नाम से जाना जाता है, ये एडवेंटिशियस बट कहलाती हैं। फिगर में आप देखिएगा बेटा जो फिगर मैंने आपको पढ़ाया उसमें आपको ये बताया भी गया है। क्वेश्चन नंबर 32 पे हम पहुंच चुके हैं। 32 देखिएगा जरा, रिकग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, यहाँ पर सही फिगर पहचानना है और मैचिंग आपको बतानी है, करेक्ट मैचिंग आपको बतानी है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। तीन फिगर आपको दिए गए बेटा, तीनों फिगर मैंने डिस्क्राइब किए थे, चलिए इनके ऑप्शन नीचे आपको दिए गए हैं, ऑप्शन जरा चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन से फिगर देख लीजिए और फिर ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 इस समय हम कर रहे हैं। 32 जल्दी से बताइएगा। 32 का आंसर देखिए जल्दी से, ऑप्शन चेक कर लीजिए बेटा। थर्टी टू प्रिया यादव, वेरी गुड बेटा। पहला जो फिगर है वो आइसोगैमेट क्लेडोफोरा के हैं, बी फिगर हेट्रोगैमेट फ्यूकस के, और सी गैमेट है हेट्रोगैमेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये बेटा क्लेडोफोरा के आइसोगैमेट हैं, ये फ्यूकस के हेट्रोगैमेट है और ये ह्यूमन के हेट्रोगैमेट हो जाएंगे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा 32 के लिए। 34 पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर बेटा ए में, बी में, सी में और डी में फिल इन द ब्लैंक आपको करना है, और फिल इन द ब्लैंक चूंकि क्वेश्चन बड़ा है तो बेटा इसके ऑप्शन अगले पेज पे आपको दिए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है। ये ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, हायर, प्लांट और एनिमल में से क्या फिल करना है आपको, चलिए जल्दी से अब देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, 33 का आंसर चलिए जल्दी से करेंगे, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए आप, ठीक है। 33 के लिए, 33 का आंसर आर्यमान, शान वर्मा, प्रतिभा, आशु, 33 का आंसर बेटा सी हो जाएगा, यानी इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये कॉमन मोड होता है रिप्रोडक्शन का, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर बेटा हायर प्लांट फिल करोगे आप, हायर प्लांट और यहाँ पर एनिमल फिल करोगे, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है जो आपको आनी चाहिए। 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 पे चलते हैं, द बर्ड और हेंस इन कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मतलब जहां पर उनको रखा गया पालने के लिए, जैसे कि पोल्ट्री फॉर्म की बात करते हैं, कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर, इन दिस केस लेइंग एग इज रिलेटेड टू, जल्दी से बताएंगे। अगर किसी मुर्गी को पोल्ट्री फॉर्म में, मुर्गी फार्म में रखा गया है और उससे अंडे प्रोड्यूस कराए जा रहे हैं तो इसका रिलेशन किससे है। 34 राज वर्मा, वेरी गुड बेटा, बोथ बी एंड सी कॉमर्शियल यूज है बेटा, ये कॉमर्शियल यूज और ह्यूमन वेलफेयर, मनुष्य के फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म सेल ऑफ प्लांट एक्स,
ध्यान दीजिएगा, एंडोस्पर्म सेल ऑफ प्लांट एक्स एंड गैमेट ऑफ प्लांट वाई आर इक्वल, प्लांट एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली। ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, ध्यान से आप सोचिएगा 35 का आंसर क्या करना है आपको। एंडोस्पर्म सेल ऑफ एक्स और गैमेट ऑफ वाई आर इक्वल, तो जल्दी से आंसर करेंगे पुनीता 35, दुर्गेश ने आंसर कर दिया है, इशू ने आंसर किया, राज ने, डी आंसर हो जाएगा बेटा। मैं करके दिखाता हूँ, अनियन की बात करें कल बेटा क्रैश कोर्स अगर आपने पढ़ा होगा तो अनियन में 16 क्रोमोसोम होते हैं 2n, ठीक है, 2n 16 क्रोमोसोम होते हैं, तो 16 क्रोमोसोम अगर 2n है तो बेटा अब एक्स प्लांट अगर अनियन है यहाँ पर तो इसके एंडोस्पर्म सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, एंडोस्पर्म में 3n होंगे, तो अगर 2n 16 है तो 3n कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ से कितने आप निकाल सकते हो 8 निकालोगे तो 3n 24 हो गया। अब पोटैटो की बेटा बात करें तो पोटैटो में 2n कितना होता है 48 होता है डिप्लॉयड नंबर, और इसमें गैमीट की बात करें बेटा तो गैमीट में n नंबर होता है क्रोमोसोम का तो n कितना हो जाएगा 24। तो देखिए अनियन में एंडोस्पर्म में 24 क्रोमोसोम है और पोटैटो में गैमीट में 24 क्रोमोसोम, दोनों सेम यही पूछा गया है कि क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म सेल ऑफ अनियन एंड गैमीट ऑफ प्लांट पोटैटो आर इक्वल, एक्स और वाई आपको रिकॉग्नाइज करने थे। बहुत ही बढ़िया फ्रेम क्वेश्चन था ये। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 जल्दी से मैच करके बताएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बेटा, आंसर आपको पता होना चाहिए, मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर बेटा पता होना चाहिए आपको, 36 का आंसर। इसमें भी बच्चे गलत कर रहे हैं, स्तुति ने सही किया है, वन ऑप्शन सही होगा बेटा यहाँ पर। जेम्यूल की बात करें तो जेम्यूल स्पॉन्जेस में पाया जाता है, लीफ बट ब्रायोफिलम में पाई जाती है, बल्बिल अगेओ में है, ऑफसेट वाटर हाइसिंथ में, कोनिडिया पेनिसिलियम में, तो इसमें कोई गलती करने वाली बात है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, ट्रांजिशन बिटवीन द जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेजेस इन बोथ प्लांट एंड एनिमल इज मेंटेन्ड बाय, तीनों फेजेस के बीच में जो ट्रांजिशन है, बदलाव है, वो कौन करता है, जल्दी से बताएंगे 37, और इसमें गलती आप कर सकते हैं तो ध्यान से करेंगे आंसर 37। गौरव ने सही आंसर किया है, कई बच्चे यहाँ पर डी आंसर करें जैसे सविता ने किया, नहीं बेटा हार्मोन आंसर करोगे, एंजाइम और विटामिन नहीं होते हैं, हार्मोन ट्रांजिशन करने का काम करते हैं, हार्मोन के अलावा भी होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेक्शन बिटवीन, अब यहाँ पर भी फिल आपको करना है, एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 38 जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे बेटा, और सभी बच्चे लाइक करेंगे, जल्दी से सभी लोग लाइक करिए। 38 का आंसर भी आशिम ने, मोहम्मद मुख्तियार ने, स्वाति ने कर दी, यहाँ भी हार्मोन आंसर होगा, यानी हार्मोन और इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को और ये ट्रांजिशन में भी रोल प्ले करते हैं। अब ये देखिए फिगर आपको दिए गए, पहचानना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। अब ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, अब ये आसानी से आप पहचान सकते हैं, देखिए चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं ए बी सी डी, जल्दी से आंसर करके बताइएगा इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 पे हम पहुंच चुके हैं, जल्दी से आंसर करेंगे 39 का आंसर समीक्षा, वेरी गुड बेटा, बी हो जाएगा। जो बेटा आपको ए दिखाया गया वो आईज आपको दिखाई गई, बी राइजोम दिखाया गया, सी लीफ बर्ड आपको दिखाई, सी आपको बल्बिल दिखाया गया और डी आपको लीफ बर्ड दिखाई गई है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, द सिक्वेंशियल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे बी ग्रुप्ड इनटू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो घटनाएं होती हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 बेटा, क्रैश कोर्स जरूर रिवाइज करके आइए आप। क्वेश्चन नंबर 40 डॉक्टर पीहू, वेरी गुड बेटा, इसके अलावा प्रतिभा राव, वेरी गुड। 40 का डी, थ्री स्टेजेस, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप यूजेस वाटर एज मीडियम फॉर गैमीट ट्रांसपोर्ट, कौन से प्लांट ऐसे हैं जो गैमीट ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर को मीडियम के तौर पे यूज करते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे और सभी बच्चे सेशन को लाइक जरूर करेंगे। गौरव, आशिफ, पूजा, यस, ये आंसर बेटा यहाँ पर हो जाएगा, यानी एल्गी की बात करें अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट के बारे में और टेरिडोफाइट के बारे में, एल्गी ब्रायो टेरिडोफाइट में गैमीट ट्रांसपोर्ट का काम वाटर के द्वारा किया जाता है, गैमीट ट्रांसपोर्ट वाटर से होता है। क्वेश्चन नंबर 42, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना इज फाउंड इन इंडिया इन,
इसका कॉमन नेम भी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, स्टोबेलेंथस कुंथियाना का कॉमन नेम क्या है जल्दी से बेटा कमेंट करके आप बताएंगे। और यहाँ पर जल्दी से स्टोबेलेंथस कुंथियाना का कॉमन नेम और कहाँ पाया जाता, 42 यस जल्दी से भूमिका रावत यस, केरला कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है और इसको केरला कर्नाटक तमिलनाडु KKT आशुतोष आनंद ने कहा। नील करौंजी अभी तोमर ने बताया, वेरी गुड बेटा। टेरर ऑफ बंगाल नहीं कहते प्रतीक, बेटा गलत कर, नील करौंजी कहा जाता है। टेरर ऑफ बंगाल तो वाटर हाइसिंथ होता है, नील करौंजी कहा जाता है इसे, नील करौंजी। एक बच्चे ने लिखा बेला करौंजी, बेला करौंजी मुझे नहीं पता लेकिन NCERT ने लिखा नील करौंजी, है ना, नीला होता है ये भी आप याद कर सकते हैं ना, नीला नाम है नील करौंजी। 43 का आंसर करेंगे, 43 में मैच द कॉलम बेटा बहुत सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन मैंने कोशिश ये की कि पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाए इन क्वेश्चन के थ्रू। 43 का राज वर्मा ने आंसर दिया डी ऑल ऑफ द अबो, जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं सभी ऑप्शन यहाँ पर सही। बेटा देखिए दो चीज ध्यान रखिएगा, एनिमल के केस में और ज्यादातर प्लांट के केस में मोनोइसियस और बाइसेक्सुअल एक ही होता है और डायसियस यूनिसेक्सुअल एक ही होता है और बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, क्लियर। तो ये मैच कर लीजिएगा, PDF आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 44, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जल्दी से यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताइएगा 44 में, कौन सा गलत है जल्दी से कमेंट करेंगे 44। मोहम्मद मुख्तियार, वेरी गुड बेटा। राज वर्मा, प्रतिभा राव, इसके अलावा अंकित तिवारी, वेरी गुड बेटा। 44 का डी ऑप्शन गलत लिखा है, द फीमेल ऑफ द मार्शुपियल मैमल एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस, बट ये मार्शुपियल वर्ड गलत है यहाँ पर बेटा, मार्शुपियल की जगह पर कौन सा वर्ड होना चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। मार्शुपियल की जगह पर यहाँ पर क्या गलती है, क्या सही करोगे ये कमेंट करके बताओगे। 44 का डी ऑप्शन गलत है, मार्शुपियल नहीं होगा वहां पर, मार्शुपियल की जगह पर क्या होगा ये बताइएगा। यस मुख्तियार ने कहा है प्लेसेंटल होना चाहिए, गौरव ने भी आंसर किया, सगुन ने भी आंसर किया, प्लेसेंटल होना चाहिए। और 46 प्लेसेंटल बेटा होना चाहिए वहां पर, प्राइमेट नहीं होना चाहिए, प्लेसेंटल मैमल होना चाहिए, ठीक। ध्यान से पढ़िएगा NCERT या क्रैश कोर्स को। 45, मेनी मैमल स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट रिप्रोडक्टिव साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन में, तो क्या कहोगे, आसान है। यस इशू, वेरी गुड बेटा, दैट इज नेम्ड एज सीजनल ब्रीडर। और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन कंटिन्यूअस ब्रीडर के नाम से जाने जाते हैं, वो सीजनल ब्रीडर भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड एज, करे बुढ़ापे की निशानी क्या है, बुढ़ापे का पैरामीटर क्या है जल्दी से बताएंगे। 46 नहीं बेटा, 46 में चारों ऑप्शन पढ़ तो लो, ज्यादातर बच्चे गलत कर रहे हैं। 46 डॉक्टर पीहू, यस बोथ एंड बी, द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज का खत्म होना और मेटाबोलिज्म का स्लो होना, ये बुढ़ापे की निशानी है। तो बुढ़ापे की निशानी क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज का खत्म होना और मेटाबोलिज्म का स्लो होना, और क्वेश्चन का आंसर भी स्लो कर रहे हैं तो ये भी निशानी हो सकती है। अगर आप अपने जीवन में स्लो हैं तो ये भी हो सकता है कि समय से पहले आप बूढ़े हो रहे हैं। चलिए 47 पे आ जाते हैं, थोड़ा सा जोश बनाए रखना चाहिए ना, तुम लोग एकदम ले ढाले पड़ जाते हो कि अभी लगता है कि तुम बच्चे हो, अभी मुझसे 2-4 साल ही तो बड़े हो गए तुम लोग, है ना, तो अभी तुम लोग क्या उम्र है अभी तुम लोग का ये हाल है कि 4-6 घंटे पढ़ लेते हो कहते हो कि बहुत थक गए बेटा, तुमसे ज्यादा तो मैं पढ़ाई करता हूँ, 12-14 घंटे मैं पढ़ता हूँ तो तुमको तो पढ़ना ही चाहिए। चलिए बेटा फिगर आपने देख लिए, चलिए अब फिगर को मैच कराएगा 47 में। बेटा बिना ऑप्शन दिए तुम लोग कैसे मैच करा दे, तो मैंने ऑप्शन दिखाया नहीं और 47 का आंसर आ गया बेटा, अभी ऑप्शन तो देख लो, तुम लोग बच्चे इतने नालायक हो, 47 का आंसर तक दे रहे हैं, इतने नालायक हो, अभी ऑप्शन तो देख लो। बेटा वैसे एक रूल होता है, जैसे अगर आपका जैसे हीमोग्लोबिन जब कम होता है ना तो उसकी वजह से भी बहुत थकावट लगती है, तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो इसकी इसका मतलब हो सकता है कि इसकी वजह से आप थक रहे हो, तो अपना हीमोग्लोबिन जरूर टेस्ट करवाइए बेटा, ठीक है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जितना हीमोग्लोबिन होता उतने घंटे आप काम कर सकते,
जैसे आपका हीमोग्लोबिन है 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड, तो आप 14 घंटे आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आंसर सी हो जाएगा। जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन देख लीजिए, ए जो दिए गए जो स्पोर है, बी कोनिडिया है, सी बडिंग है हाइड्रा में, और डी है यहाँ पर जेम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्जेस में। ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया, 48 पे चल रहे हैं। द इंटरनल बड, ध्यान दीजिएगा, द इंटरनल बड ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज और अदरवाइज कॉल्ड, ये एनसीईआरटी के बाहर द इंटरनल बडिंग के बारे में बेटा आपसे पूछा है। द इंटरनल बड ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस आर अदरवाइज कॉल्ड, 48 का आंसर भी आ चुका है, दैट इज नेम्ड एज जेम्यूल। सविता चौधरी, सगुन, वेरी गुड बेटा, जेम्यूल कहा जाता है। जेम्यूल का फॉर्मेशन स्पॉन्जेस के अंदर होता है और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो बेटा क्या किसी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम आप मुझे बता सकते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज क्या है, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। और 49 पे हम पढ़ चुके हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम बताना है आपको। इन प्लांट द सर्टेन स्ट्रक्चर सच एज रनर, राइजोम, सकर, बल्ब आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग, दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। राजेश नायक, आयुषी ईशान, यस दैट इज स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला इज कॉल्ड फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एंड 49 का आंसर जैस्मिन ने कर दिया है, दीज आर नेम्ड एज वेजिटेटिव प्रोबिग्यूल। इन सभी स्ट्रक्चर को, रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट, राइजोम, इन सभी को वेजिटेटिव प्रोबिग्यूल कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड, जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना बहुत सीधा सा सवाल है बेटा, बहुत कठिन नहीं है ये, बहुत सीधा सा आंसर है जो आपको बताना है यहाँ पर। 50 सना खान, अमित कुमार, काजल, यस दैट इज नेम्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। बेटा गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन, स्पोरोजेनेसिस मतलब स्पोर का फॉर्मेशन, ओजेनेसिस मतलब ओम का फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, है ना, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। नहीं, थकान नहीं होनी चाहिए ना बेटा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 51, मैच द कॉलम, चलिए मैच द कॉलम में 51 का आंसर शान ने कर दिया, यस टू हो जाएगा बेटा यहाँ पर, यानी ओवी पेरस की बात करें बर्ड हो जाएंगी, वीवी पेरस की बात करें मैमल हो जाएगा, पार्थिनोजेनेसिस हनी बी में वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल ट्यूबर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है बेटा, लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि हर क्वेश्चन को बराबर सम्मान देंगे, एक ही नजर से हर क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन बराबर नंबर का है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर भी बच्चे कर रहे हैं, 52 जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर। 52 का आंसर, एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज, बेटा मैंने आपसे कहा था मैं पूछूंगा भी, संजोली, वेरी गुड बेटा, आदित्य, वेरी गुड, इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो। एसेक्सुअल की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा विकसित है, ज्यादा जटिल होता है और स्लो प्रोसेस होता है। इन पोटैटो, सुगर केन, बनाना, जिंजर एंड डहलिया, द न्यू प्लांटलेट इनवेरिएबली अराइज फ्रॉम, नए प्लांटलेट कहाँ से अराइज करते हैं, ये आपसे नीट में भी पूछा गया था बेटा, तो ध्यान से करेंगे। नोड और इंटरनोड में बच्चे गलत कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। सगुन, यस वेरी गुड, द नोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम, क्रैश कोर्स कराते समय इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट भी किया था और ये फिगर भी मैंने आपको दिखाया था। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, इस फिगर को देखिए और मैचिंग करके बताइए किस किस के फिगर हैं बेटा यहाँ पर, ए और बी क्या बताते हैं, ए और बी यहाँ पर क्या इंडिकेट करें, फिगर देख लीजिए और फिर आंसर करिए, ए क्या बताता है और बी क्या बताता है, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आपको करना है, ए और बी क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर, जल्दी से ए और बी। 54 का आंसर डी हो जाएगा, वेरी गुड बेटा, यहाँ पर जो ए है बेटा उस सीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं नहीं, ए यहाँ पर पेरिकार्प को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डी ऑप्शन बेटा हो जाएगा। 55 पे हम चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन, अनयूजुअल असाधारण फ्लावरिंग, मतलब ये सिंपल नहीं है, सिंपल फ्लावरिंग क्या है भाई, हर साल फ्लावरिंग हो,
लेकिन अनयूजुअल फ्लावरिंग कहाँ पाई जाती है? दो केस मैंने आपको बताए थे, तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए अनयूजुअल फ्लावरिंग कहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो जेबा, वेरी गुड बेटा। 55 का आंसर हो जाएगा बम्बू एंड स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, इनमें अनयूजुअल फ्लावरिंग। कई बच्चे डी कर रहे हैं, नहीं बेटा बम्बू में कोई अनयूजुअल फ्लावरिंग नहीं पाई जाती, बम्बू बनाना में अनयूजुअल नहीं होती है, बनाना में अनयूजुअल फ्लावरिंग नहीं करोगे आप, बम्बू में और स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना में आंसर करोगे। इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल जायगोट डिवाइड बाई, ये मैंने आपको बताया था कि जिनमें हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल होगी उनमें जायगोट में होगा मुशर्रफ, वेरी गुड। जायगोट में मियोसिस होगी और मियोसिस से बेटा, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन नंबर 56, मियोसिस से गैमीट नहीं बनते मुशर्रफ, मियोसिस से हैप्लॉयड स्पोर बनते हैं, तो डी आंसर सही होगा। तो बच्चे बी कर रहे हैं, उनका आंसर गलत है बेटा, डी होगा आंसर यहाँ पर ज्यादातर बच्चे गलत कर रहे हैं, श्रद्धा अद्विका इन्होंने गलत किया है बेटा, मिस्टर स्पार्क आशीष यादव, बेटा ज्यादातर बच्चों ने गलत किया था, क्योंकि आप अगर चारों ऑप्शन पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जल्दी से बताएंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है क्वेश्चन नंबर 57 में, जल्दी से करेंगे बेटा 57। काव्य आपने गलत कर दिया बेटा 57 का, शान ने सही किया बेटा 57 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, यानी ए और डी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, ए और डी यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ, ए में लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट एंड एनिमल विद रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स गलत है, यहाँ सिंपल होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा व्हाइल इन एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज यूज्ड अनएम्बिगुअसली इन प्लांट द टर्म एसेक्सुअल, ये उल्टा लिखा है बेटा, जहां वेजिटेटिव यहाँ एसेक्सुअल होना चाहिए और जहां एसेक्सुअल यहाँ पर वेजिटेटिव होना चाहिए, तो ये दो स्टेटमेंट में गलतियां, इसलिए ए स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, मैच द कॉलम, ये क्वेश्चन मैंने ज्यादा इसलिए रखे क्योंकि नीट में 15-20 सवाल इस समय नीट में मैच द कॉलम टाइप के ही पूछे जाते हैं। बेटा सेशन को लाइक जरूर करें और अपना जो रूटीन है बेटा उसको मैनेज करें थोड़ा सा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप टाइम निकाल सकें, अपना टाइम टेबल एक फिक्स करें, ठीक है। साक्षी राय, इसके अलावा अखिलेश, वेरी गुड बेटा, ए आंसर हो जाएगा। जेम्यूल बेटा, पहले ही मैंने बताया स्पॉन्जेस में होते हैं, लीप बर्ड ब्रायोफिलम में होती है, बल्बिल अगियो में, ऑप्सिट वाटर हाइसिंथ में और कोनिडिया पेनिसिलिया में, शायद क्वेश्चन रिपीट भी हुआ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 59, मोनोस्ट्रस एनिमल है, ये नया क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। रंगीला, बहुत खुश हो रहे बेटा तुम, मोनोस्ट्रस क्वेश्चन नंबर 59 ये एनसीईआरटी में नहीं, तो देखते कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। साक्षी राय वेरी गुड, अर्शिफा, डॉक्टर पिहो, वन ब्रीडिंग सीजन इन ए ईयर, अगर एक साल में एक ब्रीडिंग सीजन होता है तो इसे मोनोस्ट्रस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जायगोट अंडरगोज, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब बेटा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के समय जायगोट में क्या होता है जल्दी बताएंगे, सेल डिवीजन होता है, सेल डिफ्रेंसिएशन होता है, मियोसिस होती है, या फिर बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 60, अर्शिफा वेरी गुड बेटा, आयुषी, बोथ एंड बी, सेल डिवीजन माइटोसिस भी होती है और सेल डिफ्रेंसिएशन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 61 बेटा, कारा का फिगर दिया गया यहाँ पर, ए और बी आपको पहचानने, और मैंने आपको बताया था कि ऊपर कौन होता है और नीचे कौन होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए तो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर किसी बच्चे ने किया जल्दी से, शान, आयुषी, वेरी गुड, प्रीति, ए एम शर्मा, सी आंसर होगा बेटा, जो ऊपर आपको दिया गया वो उगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है और नीचे यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन आपको दिखाया गया है, और ये फिगर और लैंग्वेज में कई बार आपके नीट में पूछा गया है। द मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी एंड फंजाई विच डायरेक्टली गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल आर कॉल्ड, जिससे डायरेक्टली नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, इन्हें क्या कहते हैं। जल्दी से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे बेटा। 62 का आंसर यजुस्पोर, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर आप सभी बच्चे कर रहे हो। सौरभ यादव वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 63, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, अर्शलान वेरी गुड बेटा,
जैस्मिन, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स, यानी जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है इस टाइम को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है. यहाँ पर जल्दी से आंसर करेंगे. दैट पीरियड इज नेम्ड एज क्वेश्चन नंबर 63. यस प्रतिभा, वेरी गुड बेटा. दैट इज नेम्ड एज लाइफ स्पैन. क्वेश्चन नंबर 64. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इन पांच स्टेटमेंट बेटा दिए गए, अभी आंसर नहीं करेंगे, ठीक है. पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, ये पांच स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और फिर आंसर यहां पर आपको दिए गए, ठीक है. तो पहले आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को सही तरीके से और फिर आंसर करिएगा 64. देखिएगा जल्दी से आंसर करेंगे 64 में. आप ऐसे बता सकते हैं कि ए और बी है ना, इस तरीके से बी एंड सी, ऐसे भी जो भी आपको इनकरेक्ट लग रहे हो उनको आप इस तरीके से बता सकते हैं. साक्षी राय 64, आपने गलत किया बेटा. साक्षी एजाज ने भी गलत किया है 64. मोहम्मद मुख्तियार ने भी गलत किया है. अनश ने सही किया है बेटा. यहाँ पर बेटा आंसर जो आपका हो जाएगा वो बी और ई. बी और ई यहाँ पर गलत हैं. तो इन एल्गी एंड फंजाई बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट और नॉन मोटाइल, ये गलत बेटा. दोनों तरह के गैमेट मोटाइल होते हैं. इन मोनोइसियस एनिमल सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, नहीं बेटा मोनोइसियस में सेम में बनते हैं. तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है. तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा, स्टेटमेंट यहां पर आपका सही होगा. क्वेश्चन नंबर 65. मैच द कॉलम 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन. बेटा अमृता मैम आज से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगी. तो प्रीवियस ईयर में जो भी 15-20 साल में जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको करा देंगी अगले एक महीने में. तो आप उनके साथ ज्वाइन करिएगा. तो 1:30 बजे आपको क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम्पलर भी आपको कवर करवा रहे हैं. एग्जाम्पलर में वो मेंटी में क्वेश्चन आपको कराती हैं शाम को 6 बजे. हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन भी करेंगे 50 क्वेश्चन मेंटी में शाम को 4:30 बजे. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर भी आ रहा बच्चों का 65. इसमें बेटा क्रोमोसोम नंबर गैमीट में बताने हैं, गैमीट में ध्यान रखिएगा. शगुन वेरी गुड बेटा. पुनीता यस, सी हो आंसर हो जाएगा. यहाँ पर बेटा बटरफ्लाई के गैमीट में 190 क्रोमोसोम होते हैं. यहाँ पर हाउसफ्लाई की बात करें बेटा तो हाउसफ्लाई में कितने हो जाएंगे, हाउसफ्लाई का आंसर हो जाएगा 6 क्रोमोसोम गैमेट में हो जाएंगे. डॉग की बात करें बेटा तो डॉग में 21 हो जाएंगे. कैट की बात करें तो कैट में 19 हो जाएंगे. और रैट की बात करें तो रैट में यहाँ पर एक मिनट, यहाँ बेटा डॉग में 39 हो जाएगा, ठीक है. कैट की बात करें तो कैट में 19 हो जाएंगे और रैट में यहाँ पर 21 हो जाएंगे गैमीट में. तो बेटा गैमीट वाला आपको याद नहीं करना, याद कौन सा करना है बेटा, आपको याद करना है डिप्लॉयड. मियोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर याद करोगे, गैमीट में जब निकालना होगा तो इसको हाफ कर लोगे. क्लियर. इन ग्रेफ्टिंग, ये बेटा एनसीईआरटी के बाहर का सवाल है. ग्रेफ्टिंग में स्टॉक के बारे में आपसे पूछा गया. स्टॉक किसे कहते हैं, दो चीजें होती हैं, एक सियोन होता है और एक स्टॉक होता है. तो 62 का आंसर, 66 का आंसर, सॉरी 66 डॉक्टर पीयूसी हो जाएगा. पार्ट ऑफ रूटेड प्लांट जो होता है उसे स्टॉक कहा जाता है और जो सूट पार्ट होता है उसे सियोन के नाम से जाना जाता है. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. 4 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से एक स्टेटमेंट सही है और बाकी 3 स्टेटमेंट गलत हैं. तो आपको सही वाला स्टेटमेंट यहां पर बताना है 67 में. जल्दी से आंसर करेंगे बेटा. 67 का आंसर, 67 जल्दी से आंसर करेंगे और सेशन को लाइक भी करिए बेटा सभी लोग. आयुषी वेरी गुड. ग्रेफ्टिंग इज डिफिकल्ट इन मोनोकॉट प्लांट एज दे हैव स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल. ग्रेफ्टिंग डाइकॉट में आसानी से हो जाती है लेकिन मोनोकॉट में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है ग्रेफ्टिंग करना. ग्रेफ्टिंग का टॉपिक अब एनसीईआरटी में नहीं लेकिन आपके नीट में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ठीक है बेटा. द फॉलोइंग फिगर्स, ये फिगर आपको पहचानना है. ऐसे मैंने इंडिकेट किया था क्रैश कोर्स पढ़ाते समय भी, ये फिगर आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 68 में भी गलत करें. दानिश अंसारी ने सही किया 68 का आंसर. बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ स्वीट पोटैटो, कभी भी फ्लावर के लिए मोनोइसियस और डाइसियस टर्म यूज नहीं करोगे. फ्लावर के लिए यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्म यूज करोगे और प्लांट के लिए मोनोइसियस डाइसियस टर्म यूज करोगे. ग्रेफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट एज दे,
ग्रेफ्टिंग मोनोकॉट में क्यों डिफिकल्ट है, क्यों पॉसिबल नहीं? बेटा दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन अभी मैंने कराया था स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, वो भी आपको दिया जाता है, और एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है 69, यहाँ पर दे लैक कैम्बियम, दे लैक कैम्बियम। बेटा कुछ बच्चे सी आंसर करें, सी कैसे करोगे? ओपन वेस्कुलर बंडल कहाँ होते हैं? यहाँ तो क्लोज होते हैं ना, इसलिए नहीं पॉसिबल है। इनमें कैम्बियम होता नहीं, क्लोज वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं मोनोकॉट में, और इसीलिए यहाँ पर ग्रेफ्टिंग नहीं हो पाती है। विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ फंजाई, ज्यादातर फंजाई में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? क्वेश्चन नंबर 70 पे हम पहुंच चुके हैं, मनीषा गुप्ता। यस, ज्यादातर फंजाई में एक्सटर्नल नहीं होता, लेकिन बेटा ज्यादातर फंजाई में, फंजाई एल्गी की अगर हम बात करें, बोनी फिशेस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 70 में बेटा एक्सटर्नल नहीं होगा, लेकिन एल्गी में, बोनी फिशेज में, एम्फीबियन में, इनमें होता है एक्सटर्नल। फंजाई में, ज्यादातर फंजाई में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होगा। 70 का बी आंसर होगा बेटा, 70 का बी आंसर करेंगे, ठीक है? ज्यादातर फंजाई में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही पाया जाएगा, इंटरनल होगा, बिल्कुल मानसिक होता है, इंटरनल ही मानेंगे, ठीक है, इंटरनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद चार क्वेश्चन और हैं, जल्दी से कंप्लीट करिए। 71 इंटरनल ही होगा, बिल्कुल बेटा इंटरनल ही करेंगे, साक्षी राय 71, यस ए आंसर हो जाएगा, अखिलेश ने भी किया। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमिट इज नॉन मोटाइल, बट इन सीड प्लांट द मेल गैमिट इज मोटाइल। गलत है बेटा, सीड प्लांट यानी जिम्नोरेंजियो में मेल गैमिट नॉन मोटाइल होता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 72, देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड ऑन। क्वेश्चन नंबर 72 जल्दी से आंसर करेंगे, देखते हैं किसने आंसर किया है, या साक्षी राय, संतोष कुमार, डी आंसर हो जाएगा। हैबिटाट पे और इंटरनल फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलें, क्वेश्चन नंबर 73। चलिए यहाँ पर लाइफ स्पैन का एक कॉलम आपको दिया गया है, ऑर्गेनिज्म और उनकी लाइफ स्पैन पहचानी, जितने भी एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं वो सारे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, क्वेश्चन नंबर 73। और यहाँ पर बेटा ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन आपको दिए गए 73 के, तो जल्दी से आप मैच करके और यहाँ पर आंसर करेंगे 73। चलिए मैं मैच करके आपको दिखा देता हूँ। 73 में ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं, तो फ्रूट फ्लाई 2 वीक हो जाएगा, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक हो जाएगा, क्रो 15 ईयर हो जाएगा, पैरट 140 ईयर हो जाएगा, टॉर्टॉइस 100 to 150 ईयर हो जाएगा, और क्रोकोडाइल 60 ईयर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में बेटा आपको दिए गए हैं, तो इनको जरूर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं, तो बेटा यहाँ पर 74 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाते हैं, विच इज इनकरेक्ट अबाउट फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? चलिए जल्दी से आंसर करिए 74। 74 पीडीएफ बेटा मिल जाएगा। आकांक्षा बेटा टाइमिंग वैसे भी, टाइमिंग बहुत ज्यादा चेंज हम नहीं कर सकते हैं, है ना? 74 पीडीएफ मिल गया बेटा। हाँ पीडीएफ हो सकता है अभी लिंक आपके पास आया हो, neetbooster.com पे रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है? तो आपके पास पीडीएफ आपके मेल पर आती रहेगी, ठीक है? 74, 74 का आंसर यहाँ पर डी होगा बेटा। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, नन ऑफ द अबो, सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर हो जाएगा नन। पीडीएफ मिल गया बेटा, जिन जिन बच्चों को मिला जल्दी से कमेंट करके बताएं जिनको पीडीएफ मिल गया है, अभी जस्ट मेल आपके पास आई होगी, ठीक है? और पीडीएफ अब सुबह ही आपको भेजी जाएगी, ठीक है? बिल्कुल मेल आ गई होगी बेटा, वेरी गुड। 75 लास्ट क्वेश्चन है आपका, द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेयर मार्क्स द बिगनिंग ऑफ, इसे सवाल एक बार आ चुका था ना, फिर से एक बार बता दीजिए। आयुषी, यस बेटा, इसे रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है, जब जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज खत्म होती है तो इसे नाम दिया जाता है रिप्रोडक्टिव फेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आपके नीट में करीब 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर इज, मेगा स्पोर के फॉर्मेशन के समय कौन सा सेल डिवीजन होता है?
कल का दिन बहुत बिजी रहने वाला, 5 घंटे की एक क्लास होगी नॉन स्टॉप, मजा आएगा लेकिन आपको बेहतरीन। बेटा मेगा स्पोर का फॉर्मेशन किससे होता है आप सोचो, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है मेगा स्पोर मदर सेल से, और मेगा स्पोर मदर सेल से अगर उसका फॉर्मेशन होता है तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि मेगा स्पोर मदर सेल। चलिए ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब किया लेकिन काफी बच्चों ने गलत भी किया। बेटा मेगा स्पोर का फॉर्मेशन मेगा स्पोर मदर सेल से होता है मियोसिस के द्वारा, तो आंसर यहां पर ए होगा। बेटा आज मैं टिक नहीं कर पाऊंगा यहां पर, ठीक है, तो मैं आंसर आपको बताता चलूंगा, आप ठीक है देखते रहिएगा, आंसर ए होगा यहाँ पर, ए फॉर एप्पल, मियोसिस के द्वारा बेटा मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, मियोसिस होगा केवल, ए ऑप्शन जितने बच्चों ने किया उनका एकदम सही है। बेटा सेशन को जल्दी से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करें, 75 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। विच वन प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमिटोफाइट भी कहते हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा अंजू देवी, दानिश। बेटा जो मेगा स्पोर, जो फंक्शनल मेगा स्पोर होती है उससे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। फंक्शनल मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं, तो यहां पर आंसर बी हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट मेगा स्पोर से डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 3, नॉन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ड्यू टू मैकेनिकल बैरियर। बेटा यहां पर मैकेनिकल बैरियर की बात कर रहा है, तो कौन सा मैकेनिकल बैरियर होता है यहां पर, चलिए जल्दी से बताएंगे, मैकेनिकल बैरियर अगर होगा दैट इज आयुषी, वेरी गुड बेटा, आर्यमान, वेरी गुड, संजोली, इसके अलावा आयुषियस, इसे हरकोगैमी के नाम से बेटा जाना जाता है, दैट इज हरकोगैमी। अगर आप नहीं जानते, एनसीईआरटी में नहीं है तो आप ये बात जान लीजिए, ये फिगर तो एनसीईआरटी का है, जहां पर ए बी सी और डी आपको पहचानने, फ्लावर के अंदर ए बी सी डी आपको रिकॉग्नाइज करना है। जल्दी से बेटा सेशन को लाइक करें सभी बच्चे, जल्दी से थम्स अप, जल्दी से बेटा, चलिए वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4, यस बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सी आंसर हो जाएगा बेटा यहां पर, सरिता ने सही आंसर किया, निखिल वेरी गुड बेटा, अभिषेक, प्रज्ञा ने गलत किया, कई बच्चे गलत भी करें बेटा, सी आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं, फीदरी स्टिग्मा अकर्सन, फीदरी स्टिग्मा कहां पर पाई जाती है। बेटा क्रैश कोर्स अगर आप थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप आंसर कर पाओगे, क्रैश कोर्स थोड़ा सा लेट हो गया था बेटा लेकिन मैंने अपलोड कर दिया था, तो फीदरी स्टिग्मा कहां पर पाई जाती है जल्दी से बताएंगे, फीदरी स्टिग्मा उन प्लांट में पाई जाती है जिन प्लांट में विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, जैसे वीट की बात करें, ज्वार की बात करें, तो इनमें फीदरी स्टिग्मा प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन बेटा बी हो जाएगा, बी फॉर बायो। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पॉलन ग्रेन ऑफ राइस एंड वीट लूज वाइबिलिटी इन हाउ मेनी मिनट्स ऑफ देयर रिलीज, कितने मिनट के बाद, यस आंचल, वेरी गुड बेटा, 30 मिनट के बाद ये वाइबिलिटी को लूज कर देता है, जीटोनोगेमी इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से 7 में आंसर करेंगे, जीटोनोगेमी में क्या होता है या जीटोनोगेमी क्या होता है, जल्दी से कम ऑन बच्चों, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइए अपनी, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे हम यहां पर, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। बेटा अब आपके पास और टाइम है नीट के लिए, देखिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या अभी 0 से स्टार्ट करें तो कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा अभी भी आप कर सकते हो, 20 चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं। प्रतीक्षा वेरी गुड बेटा, यहां पर बेटा जीटोनोगेमी की अगर बात करते हैं तो जीटोनोगेमी में होगा फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम एनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, प्लांट सेम है फ्लावर चेंज होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बी फॉर बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए जल्दी से पहचानिए, क्वेश्चन नंबर 8 में द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो
अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। स्पोरोजेनस टिश्यू की सेल में कौन सा डिवीजन होने से माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है? जल्दी से आंसर करेंगे डॉक्टर पीहू स्तुति। वेरी गुड बेटा, दैट इज द मियोटिक डिवीजन। बेटा जो स्पोरोजेनस टिश्यू की सेल होती है उन्हें पॉलन मदर सेल कहते हैं, और पॉलन मदर सेल में एक मियोसिस होने से एक मेगा स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे देखिए क्या पूछा गया। ए बी सी डी आपको पहचानना है यहाँ पर। ए बी सी डी पहले फिगर देख लीजिए, फिर मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। बेटा एक ही साथ इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पहले फिगर आप देख लीजिए और फिर क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन आप देखिए यहाँ पर, और जल्दी से आंसर करेंगे। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? जिसका आंसर आए कमेंट करके जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। अंजलि, सुमित, अनमोल, सबिस्ता, प्रतिभा, राजेश। 9 का आंसर बेटा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा बाद में। 9 का आंसर लवली ने सही दिया है, बी आंसर होगा बेटा। आर्यमान ने सही आंसर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। जनरेटिव सेल वाज डिस्ट्रॉयड बाय लेजर बट ए नॉर्मल पॉलन ट्यूब वाज स्टिल फॉर्म बिकॉज। बेटा कह रहे कि लेजर के द्वारा जनरेटिव सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया लेकिन पॉलन ट्यूब बन जाती है, इसका क्या रीजन है? जल्दी से आंसर करेंगे। जनरेटिव सेल को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, इसका रीजन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10। यस मोहम्मद साहिल, आकांक्षा, यस बेटा इसका आंसर है कि वेजिटेटिव सेल इज नॉट डैमेज। बेटा जो पॉलन ट्यूब है वो वेजिटेटिव सेल बनाती है, तो वेजिटेटिव सेल अगर डैमेज नहीं होगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड। माइक्रोस्पोर बनने की घटना को क्या कहते हैं? आप अंदाजा लगाइए। एम्ब्रियो बनने की घटना एम्ब्रियोजेनेसिस, गैमेट बनने की घटना गैमेटोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोर बनने की घटना को क्या कहेंगे? जल्दी से आकांक्षा। वेरी गुड बेटा अखिलेश, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 12। लार्जेस्ट सेल ऑफ द ओव्यूल इज, ओव्यूल में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? बेटा ये बात मैंने क्रैश कोर्स में बार बार आपको बताई थी, तो क्रैश कोर्स को बेटा जरूर रिवाइज करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12, आरुषि, नहीं बेटा आरुषि आप गलत आंसर कर रहे हो। आकांक्षा मौर्य, या सेंट्रल सेल जो होती है ये लार्जेस्ट सेल होती है ओव्यूल की। एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल थ्रू, मेगा स्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक तक की कहानी पूछ रहा है, तो मेगा स्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? जल्दी से कमेंट करिएगा बच्चों। स्पीड थोड़ी सी और मेंटेन करेंगे डॉक्टर पीहू। यस वेरी गुड बेटा, डॉक्टर पीहू ने सही आंसर किया यहाँ पर। 13 का आंसर बी हो जाएगा, एक मियोसिस और 3 माइटोसिस होंगे। बेटा देखिए जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस होने से एक मियोसिस होगी और मेगा स्पोर बनेंगे, और मेगा स्पोर जो फंक्शनल बचेगा उसमें 3 माइटोसिस होने से फंक्शनल एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। चलिए इस फिगर के बारे में आप बताइए, ये जो फिगर आपको दिखाया गया ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, बेटा ये फिगर आपको आने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी के फिगर हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट हैप्लॉयड सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज। फीमेल गैमेटोफाइट बेटा क्या है? दैट इज एम्ब्रियो सैक। और करे फीमेल गैमेटोफाइट की पहली हैप्लॉयड सेल क्या होती है? पहली हैप्लॉयड सेल जल्दी से आंसर करेंगे। डू फास्ट निकिता, बेटा ज्यादातर बच्चे गलत कर रहे हैं। मेगा स्पोर मदर सेल बेटा हैप्लॉयड होती ही नहीं है, वो तो डिप्लॉयड होती है। आंचल ने सही आंसर किया है, अविनाश ने सही किया, दैट इज फंक्शनल मेगा स्पोर। बेटा जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट की पहली हैप्लॉयड सेल होती है। बेटा मेगा स्पोर मदर सेल तो डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड की आंसर कर रहे हो संदीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पॉलन ग्रेन इज रिलेटेड टू एम्ब्रियो सैक एज। पॉलन ग्रेन का संबंध जिस तरह से एम्ब्रियो सैक से है उसी तरह किसका संबंध किससे है? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, स्तुति आपने गलत कर दिया बेटा। सोनू, यस। साक्षी राय, यस बेटा। मेल गैमेटोफाइट इज टू एम्ब्रियो सैक। बेटा देखिए पॉलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, तो पॉलन ग्रेन का जो रिलेशन एम्ब्रियो सैक से, पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेटोफाइट है, तो उसका संबंध भी किससे हो जाएगा? एम्ब्रियो सैक से हो जाएगा। क्लियर बच्चों यहां पर?
चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन फ्लावरिंग प्लांट द मेल गैमीट आर फॉर्म्ड बाय, मेल गैमीट को कौन बनाता है, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, पॉलन ट्यूब या यूनि न्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर। फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमीट का फॉर्मेशन, दीपक यादव, यस, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल माइटोसिस से डिवाइड करके दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है बेटा। चलिए अगला फिगर बताइएगा, द फॉलोइंग फिगर शोज द, ये सब एनसीईआरटी के फिगर हैं और क्रैश कोर्स कराते समय ये सारे फिगर मैंने आपको दिखाए थे यहाँ पर। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर देंगे आप। गौरव भास्कर, वेरी गुड बेटा, दैट इज मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ द पेपावर, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। लवली आकांक्षा, वेरी गुड बच्चों। एनिमोफिलस प्लांट है वो, एनिमोफिलस प्लांट में क्या होता है, संदीप, शैलेंद्र, अंजलि, प्रज्ञा, आदित्य, भूमिका, सीमा, सुमित, सबीना। चलिए 19 में बताएंगे, एनिमोफिलस प्लांट के लिए आपसे पूछा गया है। यस शान, वेरी गुड बेटा। स्तुति, यस, फीदरी स्टिग्मा, ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था बेटा। एनिमोफिलस का मतलब होता है जिनमें विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो, जो कीवर्ड होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो पेपर पे आप साथ में आंसर के साथ ये भी लिखते जरूर रहिएगा, जो बात आपको ना पता हो। मैच द ऑप्शन, यहाँ पर बेटा ऑप्शन मैच करेंगे, स्ट्रक्चर दिया गया और उनके शेप आपको बताए गए हैं। चलिए जल्दी से, शुभम, संदीप, शैलेंद्र, नीतू, अखिलेश, अंजलि, 20 का आंसर बेटा जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। गणेश, अक्षय, अरशद, अरशद अहमद, आशिब, काजल, वेरी गुड बेटा, यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा। जो एंथर होता है बेटा, एंथर की बात करें तो एंथर की यहाँ पर इस टेट्रागोनल फोर साइडेड होता, माइक्रोस्पोरेंजियम नियर सर्कुलर होता, पॉलन ग्रेन स्फेरिकल होते हैं और जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप होती। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम पहुंच चुके हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर उन्हें कहते हैं जो कभी भी ओपन नहीं करते हैं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है, कौन सा पॉलिनेशन होता है, कभी ओपन नहीं करते, इस बात पे ध्यान दोगे तो आप कर लोगे। यस स्तुति, वेरी गुड। आशुतोष, सेल्फ पॉलिनेटेड बेटा, क्योंकि यहां पर किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट के फ्लावर में एंटर करने की कोई भी संभावना नहीं है, तो सेल्फ पॉलिनेटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे, विच इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपके नीट में हर साल पूछा जाता है, स्पोरो पॉलिनिन वाला। 22 किसने आंसर किया है, सविता चौधरी, यस बेटा बी ऑप्शन करेक्ट है। स्पोरो पॉलिनिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलीज, बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा नीट में लगभग हर साल पूछा ही जाता है। इन द गिवन फिगर, द गिवन फिगर शो पॉलिनेशन बाई वॉटर इन वेलिशनेरिया, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। तो बेटा आपको जो फिगर में ए बी सी डी दिखाए गए ये आपको पहचानने हैं। फिगर मैंने आपको दिखा दिया, अब ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 में जल्दी से आंसर करेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे बेटा यहाँ पर जल्दी से। 23 का जल्दी से आंसर बताएंगे, निकिता, वेरी गुड बेटा, आकांक्षा, आशीष, गौरव, वेरी गुड बेटा, डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, 23 का डी। चलिए 24 पे चलते हैं बेटा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द एंजियोस्पर्म आर, एंजियोस्पर्म बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछा गया है बेटा। 261 स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी इनमें से बहुत सारे 50 बच्चे ऐसे जिन्होंने लाइक नहीं किया बेटा, जल्दी से लाइक करिए। चलिए 24 के आंसर भी आ गए हैं, आकांक्षा, अखिलेश, प्रज्ञा, वेरी गुड, प्रज्ञा ने गलत कर दिया बेटा। देखिए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो मेल इज द एंड्रोशियम एंड फीमेल इज द गायनोशियम, बेटा बी तो हो ही नहीं सकता है, मेल पिस्टिल कैसे हो सकता है बेटा, थोड़ा ध्यान से करो आप। 24 का डी हो गया आंसर। अब 25 पे हम चले गए हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थोड़ा सा टाइम मैं दूंगा आपको, पांच ऑप्शन दिए गए हैं बेटा इनके, आप मुझे ऐसे भी बता सकते हैं कि ए बी एंड सी करेक्ट हैं या बी सी डी सी डी ई, क्योंकि ऑप्शन बेटा अगले
आपको यहाँ पर स्लाइड में दिए गए हैं, तो एक बार प्रॉपर आप टाइम लीजिएगा पढ़ने के लिए। मैं टाइम आपको दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। 25 में कोई भी ऑप्शन इन करेक्ट नहीं है, तो बेटा नन यहाँ पर ऑप्शन होगा, तो कोई भी ऑप्शन इन करेक्ट नहीं है, या सारे करेक्ट ऑप्शन है, तो नन आंसर हो जाएगा बेटा। मैंने कहा था मेरे क्वेश्चन में नन हो सकता है, बोथ दिया है तो जरूरी नहीं कि बोथ हो, ठीक है, चलिए नन। 26, ए टिपिकल एम्ब्रियो सैक पजिजल्स, टिपिकल एम्ब्रियो सैक, बेटा एम्ब्रियो सैक की बात करें तो एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट में क्या क्या होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, 26 का आंसर क्या क्या बेटा, यस कुलदीप, वेरी गुड बेटा, साक्षी राय, एग सिनर्जिड पोलर न्यूक्लियाई एंड एंटीपोडल। चलिए अब बेटा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करके आप बताइएगा। एग एपरेटस में कितनी सेल होती हैं, एग एपरेटस में कितनी सेल होती हैं, 1 2 3 7 8, जल्दी से बताइए। और क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर भी आप करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, द फॉलोइंग फिगर शो, जो फिगर आपको दिखाया गया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 27, शशांक ने आंसर किया है भूमिका, राजेश, 3 सेल होती है बेटा, जो एग एपरेटस होता है उसमें 3 सेल होती है, कई बच्चे 1 कर रहे हैं, 7 भी कर रहे हैं, 8 भी कर रहे हैं, बेटा एग एपरेटस में 3 सेल होती हैं, 2 सिनर्जिड होती हैं और 1 एग सेल होती हैं, तीनों को मिला के एग एपरेटस कहते हैं। 27 का आंसर बेटा डी हो जाएगा, ऐमान खान ने सही आंसर किया, शैलेंद्र, बेटा ये माइक्रो स्पोर टेट्राड दिखाया गया, ये माइक्रो स्पोर टेट्राड है। क्वेश्चन नंबर 28, एम्ब्रियो सैक इज मोनोस्पोरिक व्हेन इट डेवलप्स फ्रॉम, एम्ब्रियो सैक को मोनोस्पोरिक कहा जाएगा अगर उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, जल्दी से आंसर करेंगे। बेटा अगर एग एपरेटस नहीं पता है तो आप क्रैश कोर्स को जरूर रिवाइज करिए, उससे बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। गौरव, 28 का ए, वन ऑफ द 4 मेगास्पोर ऑफ ए मेगास्पोर मदर सेल, बेटा आप जानते हैं कि जनरली क्या होता है कि जो 4 मेगास्पोर होते हैं उनमें से 3 डीजनरेट कर जाती है, एक फंक्शनल बचती है, और एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने का जो प्रोसेस है दैट इज नेम्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम पहुंच चुके हैं, 1/3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, करीब 20 मिनट हमें क्वेश्चन करते हुए हुए हैं, तो स्पीड हमारी बढ़िया है, वेरी गुड, चलिए जल्दी से और स्पीड थोड़ी सी मेंटेन करेंगे। 29, विच इज करेक्ट अबाउट वायोला, इसे कॉमन पैंसी कहते हैं, वेरी गुड अखिलेश, बियर 2 टाइप ऑफ फ्लावर, चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस, प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड्स एट इवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, यस आयत, वेरी गुड बेटा, चारों ऑप्शन करेक्ट हैं वायोला के लिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट, यहां भी बेटा 5 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और ऑप्शन अगले पेज पे आपको दिए गए हैं, तो अब की बार आपको यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, आप चाहें तो ए बी सी बी सी डी सी डी जो भी आपको लग रहे हैं वैसे भी आंसर आप बता सकते हैं, और टाइम लीजिएगा इस क्वेश्चन को करने में क्योंकि ये 5 क्वेश्चन के बराबर अकेला ही क्वेश्चन है बेटा। शत्रुघ्न बिल्कुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा बेटा मेल में थोड़ी देर पर, जैसी क्लास ओवर होगी कल की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। साजिद साहिद बेटा देख क्वेश्चन आप टिक नहीं कर सकते क्योंकि पेन में कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो इसलिए मैं सिंपली आपको बोल दे रहा हूं, और रोहित ने जैसा कि कहा है कि वो आंसर की आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ठीक है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या किया बेटा आपने, 30 का आंसर यहाँ पर आपसे पूछा इनकरेक्ट, तो बी सी डी और ई इनकरेक्ट है, केवल यहां पर बेटा ए ऑप्शन करेक्ट है और बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं बेटा, ए को छोड़कर बाकी सब इनकरेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, तो आंसर बेटा यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, जितने बच्चों ने किया उनका सही है, बी सी डी ई, सबा शेख ने सही आंसर किया है, वेरी गुड बेटा, मोहम्मद इमरान ने भी सही आंसर किया है, आशीष ने भी सही आंसर किया है, अहमद अब्दुल्ला ने सही आंसर किया है, आंचल आपने गलत किया बेटा, मोहम्मद सुलेमान ने सही आंसर किया है, कैलाश नाथ ने सही आंसर किया, वेरी गुड बेटा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जहां पर करेक्ट इनकरेक्ट पूछा था उनसे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे बेटा। रोहित से मैं ये कह रहा हूं कि रोहित व्हाट्सएप कर देंगे मुझे, और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया टेलीग्राम चैनल पे, मैं डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 31 पे हम पहुंच चुके हैं. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म के रिगार्डिंग में कौन सा इनकरेक्ट है? यहां पर ऑप्शन बी इनकरेक्ट है सफी. वेरी गुड बेटा. मेगा स्पोर इज डिप्लॉयड. यस, मेगा स्पोर हैप्लॉयड होता है बेटा. ये इनकरेक्ट है क्योंकि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन मियोसिस के बाद होता है. क्वेश्चन नंबर 32. रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग. बेटा कल से मैं कोशिश ये करूंगा कि एक ही स्लाइड पे रखूं दोनों चीजों को. भले ही फिगर थोड़ा छोटा हो जाए लेकिन दोनों चीजें एक ही अगर स्लाइड पे रहेंगे तो उससे ज्यादा बेहतर आप कर पाओगे. क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए. तो क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे है. ए बी सी डी ई एफ. और जल्दी से यहां पर मैच कर लीजिए. जल्दी से मैच करके देखिए यहां पर कौन सा आंसर सही हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 32 जल्दी से आंसर करेंगे बेटा. 32 फातिमा. वेरी गुड बेटा. लवली गुप्ता. वेरी गुड. डी आंसर बेटा यहां पर हो जाएगा. ठीक है, पीडीएफ में आप चेक कर लीजिएगा. 33 क्वेश्चन पे चलते हैं. टू स्टडी पॉलन जर्मिनेशन सम पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स सच एज पी चिकपी क्रोटलेरिया बाल्सम एंड विनका कलेक्टेड एंड डस्टेड ऑन ए ग्लास स्लाइड कंटेनिंग ए ड्रॉप ऑफ. कौन सा सोल्यूशन होगा, कितने परसेंट होगा और कितने मिनट, ये आपको बताना है. एनसीईआरटी ने बेटा आपको दिया है 33. प्रज्ञा वर्मा. वेरी गुड. 33 आदर्श दुबे. यस, डी आंसर हो जाएगा बेटा. सुगर सोल्यूशन का यूज करते हैं जो कि 10% होता है और 15 से 30 मिनट के बाद पॉलन ट्यूब आपको निकली हुई दिखाई देंगी. मैच द कॉलम. चलिए जल्दी से कॉलम मैच करिए. बहुत आसान है. स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आपको दिए गए हैं और इनको जल्दी से मैच करना है. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा. 34 प्रतिभा. वेरी गुड बेटा. 34 का सी हो जाएगा. स्टिग्मा इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलेंस स्टाइल इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट एंड ओवरी की बात करते हैं तो दैट इज बेसल बल्ज पार्ट. क्वेश्चन नंबर 35. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के बारे में आपसे पूछा गया है. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी से आंसर करिएगा. 35 ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन हम कर चुके हैं. गौरव आपने गलत कर दिया बेटा 35 का आंसर. अहमद अब्दुल्ला ने सही किया है. आंचल ने सही किया बेटा. स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन. बेटा विंड पॉलिनेटेड फ्लावर छोटे होते हैं और ये जो ड्राई पॉलन गेन इनके पॉलन गेन स्टिकी नहीं होते, नॉन स्टिकी यानी ड्राई होते हैं. तो बी ऑप्शन सही होगा बेटा. चलिए क्वेश्चन नंबर 36. इन प्लांट दैट सेट पॉलन ग्रेन एट टू सेल्ड कंडीशन द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म द टू मेल गैमेट ड्यूरिंग द. बेटा 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज पे पॉलन गेन सेट करते हैं तो इनमें जो जनरेटिव सेल हो डिवाइड करके दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कब करती है. पुष्पेंद्र कुमार, दीपक यादव. यस, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन स्टिग्मा. जब स्टिग्मा में पॉलन ट्यूब ग्रोथ करती है तब जनरेटिव सेल डिवाइड करती है. द गिवन प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय क्रैश कोर्स मैंने इंडिकेट किया था इस फिगर को और मैंने कहा था याद रखिएगा द गिवन प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय. इसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है. क्वेश्चन नंबर 37 मोहम्मद इमरान, सुनील, लवली. चलिए जल्दी से करेंगे. प्रतिभा. यस बेटा, विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है. ये विंड पॉलिनेटेड फ्लावर यहां पर आपको दिखाया गया है. चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन यहां पर है क्वेश्चन नंबर 38. चलिए देखते हैं जरा 38 क्वेश्चन पे. पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन यानी कॉम्पेटिबल पॉलन. इफ द पॉलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप देन पिस्टिल रिजेक्ट द पॉलन बाई प्रिवेंटिंग. चलिए अगर पॉलन रॉन्ग टाइप या इनकॉम्पेटिबल है तो पिस्टिल उसको कैसे रिजेक्ट करेगी. 38 प्रतिभा. वेरी गुड. बाबा कुमार. वेरी गुड. बोथ ए एंड बी में से कुछ भी हो सकता है. पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा और पॉलन ग्रोथ पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल. किसी भी चीज को रिजेक्ट कर सकती हो. या तो पॉलन को स्टिग्मा पर जर्मिनेट ही नहीं करने देगी या पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को स्टाइल में इनहिबिट कर देगी. इन दो तरीकों से इनकॉम्पेटिबल पॉलन को रिजेक्ट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 39. पांच स्टेटमेंट दिए गए, इनकरेक्ट ढूंढना है बेटा. तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा कायदे से और यहां पर ऑप्शन दिए गए लेकिन आप खुद सेलेक्ट करके ए बी सी डी की जगह पर बेटा जो इसमें से ऑप्शन आपको इनकरेक्ट लग रहे हैं उसके बारे में आप बता दीजिएगा. ठीक है,
चलिए जल्दी से आंसर करिएगा यहाँ पर। 39, बहुत बढ़िया सवाल है। चार ऑप्शन पढ़िएगा उसके बाद आंसर करेंगे, ठीक है? चार ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर करेंगे। पांच ऑप्शन है वैसे बेटा यहाँ पर। 39, नहीं बेटा सही से पढ़िए, पांच ऑप्शन है यहाँ पर। प्रतिभा राव ने किया है, वेरी गुड प्रतिभा राव। स्तुति, यश, दीपक, आकांक्षा। बी डी एंड ई, बी डी ई, ये तीन स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। बी की बात करें तो बी इनकरेक्ट है यहाँ पर, डी इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट। बी में क्या लिखा है? द नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी मे बी वन, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड एंड मेनी व्हीट पैडी मैंगो। ये उल्टा कर दिया गया, जहां वन है वहां मेनी होना चाहिए, मेनी की जगह वन होना चाहिए। डी में क्या लिखा है? इंटिगुमेंट सर्किल द ओव्यूल एक्सेप्ट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल चलाजा। ये गलत है, यहाँ पर माइक्रोपाइल होना चाहिए। इनक्लोज विद इन द इंटिगुमेंट ए मॉस ऑफ सेल कॉल्ड पेरिस्पम। नहीं बेटा, यहाँ पर जो सेल का मास होता है दैट इज नेम्ड एज न्यूसेलस। तो बी डी ई यहां पर बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो ए आंसर यहां पर कैपिटल ए आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, ज्यादातर एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर या बोथ बी एंड सी। जल्दी से कमेंट करिएगा। मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, ज्यादातर एंजियोस्पर्म किस तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं? प्रतिभा, शविता, अंजू, आकांक्षा, शान, मुक्तियार। वेरी गुड बेटा, आप कह सकते हैं बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर प्रोड्यूस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ये फिगर भी मैंने आपको बताया था बेटा, याद करिए क्रैश कोर्स में, और पढ़ के जरूर आइए बेटा। पढ़ेंगे नहीं तो केवल क्वेश्चन करने का और गलत करने का कोई बेनिफिट नहीं है, पढ़ के आएंगे फिर गलतियां होंगी तो आप जाके उसे रिवाइज कर सकते हो। प्रतिभा राव 41, वेरी गुड बेटा, आपके आंसर सही हो रहे हैं ज्यादातर, आप तेज भी करो। साक्षी राय, स्तुति, दीपक, वर्चिका, वेरी गुड बेटा, राजेश, समन, इशिका तिवारी, भूमिका रावत, वेरी गुड, नीतीश मिश्रा। बेटा यहां पर आंसर हो जाएगा सी, पेंटा कार्पेलरी सिन कार्पस गाइनोशियम हिबिस्कस। बेटा चाइना रोज की गाइनोशियम आपको दिखाई गई है। चलिए फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए। बेटा सारे पॉइंट मैं कवर करवा दूंगा आपको, बस आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेंगे। कौन से इनकरेक्ट है बेटा, इस तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है? जो आपको सही लगेगा, ठीक है? मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 42 में। देखिए बेटा ए ऑप्शन देखिए, यहाँ पर लिखा है ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट ए सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल एट द चलाजल। यहाँ चलाजल नहीं होना चाहिए ना, यहाँ माइक्रोपाइल होना चाहिए। सी ऑप्शन में क्या लिखा है? इन ए मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म वन ऑफ मेगा स्पोर इज डिजनरेटेड वाइल अदर थ्री रिमेन फंक्शनल। गलत है बेटा, तीन डिजनरेट करती एक फंक्शनल बचती है। और ई में क्या लिखा है? दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर इमीडिएटली फॉलोड बाई सेल वॉल। नहीं, यह होना चाहिए नॉट फॉलोड बाई, यहां पर नॉट लिखा होना चाहिए था। तो ए सी और ई इनकरेक्ट ऑप्शन है बेटा यहां पर। ए सी ई यानी डी आंसर यहां पर सही होगा। आदित्य, शमन, मोहम्मद शाहिल, वेरी गुड, शुभम, ज्यादातर बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर द बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप इन करेक्ट सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 43, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो कौन कौन से स्टेप करेंगे? 43 में जल्दी से बताएंगे। राजेश, दीपक, पूजा, राज, वेरी गुड बेटा। देखिए पहला स्टेप इमैस्कुलेशन होगा, रिमूवल ऑफ एंथर, देन बैगिंग, पॉलिनेशन एंड रीबैगिंग। तो ये स्टेप होंगे यहाँ पर। क्रैश कोर्स में आज मैं आपको पढ़ा दूंगा इसके बारे में, वैसे ज्यादातर बच्चे सही आंसर कर ले रहे हैं। अंजू, शीतल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 44 बेटा, सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया आप कर रहे हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 44 जल्दी से मैच करेंगे। आशिब, आशिब ने आंसर किया है 44 का। गौरव ने आंसर किया है, लेकिन गौरव ने गलत आंसर किया 44 का। बेटा देखिए मोनोकार्पिलरी मतलब सिंगल पिस्टिल हो जाएगा, तो डी आंसर तो हो नहीं सकता है। बी आंसर यहां पर सही है बेटा, मोनोकार्पिलरी सिंगल पिस्टिल, मल्टीकार्पिलरी मोर देन वन पिस्टिल, एपोकार्पस पिस्टिल यहां पर फ्री होंगी और सिनकार्पस पिस्टल फ्यूज होंगी। क्वेश्चन नंबर 45, नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस बाई ए मेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज
फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमिटोफाइट से कितने गैमेट प्रोड्यूस होते हैं? 45। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। वैसे आज मैंने क्वेश्चन करने का तरीका आपको जो हमारा सेशन था बेटा न्यूमेरिकल सीरीज उसमें भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 45 किसने आंसर किया है यहाँ पर? दीप चंद। वेरी गुड बेटा, स्तुति। यस, 2 हो जाएगा बेटा। देखिए मेल गैमेटोफाइट क्या होता है बेटा? पॉलन ग्रेन होता है, और पॉलन ग्रेन में जो जनरेटिव सेल है बेटा वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाती है, तो एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट बनते हैं फ्लावरिंग प्लांट में। क्वेश्चन नंबर 46, ए बी सी डी ई, ये आपको फिगर में रिकॉग्नाइज करना है। फिगर पहले आप देख लीजिए, फिर ऑप्शन में आपको दिखाता हूं यहां पर, ठीक है? यहाँ पर ए बी सी डी जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं बेटा ये ध्यान से देखिएगा, ये ए आपको दिखाया गया है, ठीक है? ये बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी ये आपको दिखाया गया है, और ये वाला ऑप्शन ई है, तो ध्यान से करिएगा बेटा आंसर, ठीक है? चलिए तो अब ऑप्शन देखिए और आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जल्दी से बताएंगे। संदीप बेटा हिंदी में ही तो पढ़ा रहे हैं, इसमें कौन सी मैं अंग्रेजी यूज कर रहा हूँ बेटा? 46, लवली, मोहम्मद, महिमा, आनंद, मोहम्मद इमरान। यस बिल्कुल बेटा, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी आंसर होगा, ठीक? आप चेक कर लीजिएगा बाद में। एनसीईआरटी का फिगर है वैसे। डायसियस प्लांट पपाया एंड डेट पाम प्रिवेंट। डायसियस प्लांट क्या प्रिवेंट करते हैं बेटा? आउटब्रीडिंग डिवाइस का टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आप नहीं जानते हैं, जानते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। जो डायसियस प्लांट होते हैं पपाया और डेट पाम, ये प्रिवेंट करते हैं। 47। यस प्रतिभा, डॉक्टर पीहू, रीता, शशांक। वेरी गुड बेटा, ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी दोनों को प्रिवेंट करते हैं डायसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जीटोनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। ऑल द इवेंट फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल आर टूगेदर रिफर्ड एज। सारी घटनाएं पॉलन डिपोजिशन से लेकर और पॉलन ट्यूब के ओव्यूल तक एंटर करने तक की सारी घटनाओं को क्या कहते हैं? गौरव आशिब। यस वेरी गुड बेटा, दैट इज नेम्ड एज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटब्रीडिंग डिवाइस? बेटा ऑप्शन देखिए इस तरीके से आपको करना है, ठीक है? कौन कौन सी आउटब्रीडिंग डिवाइसेज यहां पर हैं? 49 में जल्दी से बताएंगे। 49 में आंसर आपको करना है इस तरीके से, चार ऑप्शन दिए गए, कौन कौन सी आउटब्रीडिंग डिवाइसेज यहाँ पर हैं? बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेज उन्हें कहते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम करती हैं। यस 49 में ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया। शान, अखिलेश, राजेश, साक्षर, बेटा चारों आंसर होंगे, यानी डी ऑप्शन सही होगा। ए बी सी डी सभी आउटब्रीडिंग डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। इन द डायग्राम गिवन पार्ट लेवल्ड ए बी सी डी फाइंड आउट। चलिए जल्दी से ए बी सी डी ई को पहचानिए। ए क्या है बेटा? ये डी आपको दिखाया गया, ठीक? यहां से पहचान सकते हो ये डी है, ठीक है? ये ए आपको यहां पर दिखाया गया, ये ई आपको नीचे इंडिकेट किया गया है, ठीक है? चलिए ये बी है, सी है, और एफ यहां पर आपको दिखाया गया है। तो चलिए ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 50। जल्दी से आंसर करिएगा। कल से मैं एक ही फिगर पेज पे रखूंगा ताकि आपको ये दिक्कत ना हो थोड़ी सी, है ना? चलिए तो किसने आंसर किया है यहाँ पर 50 में? रंजीत, नीतू, गलत किया बेटा आपने। आदित्य, हाँ सही था बेटा आपका, ठीक है? लवली गुप्ता, गौरव, वेरी गुड बेटा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक और टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्मेज। बेटा जिस एम्ब्रियो सैक को हमारी एनसीईआरटी में रखा गया, जिसके बारे में मेनली हम पढ़ते हैं, वो एक्चुअली पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है, क्योंकि पॉलीगोनम नाम के प्लांट में सबसे पहले इस एम्ब्रियो सैक के बारे में पता चला था, ठीक है? तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करेंगे। पॉलीगोनम टाइप, राजेश, या 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियेट होता है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 52, इन द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम देयर इज ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल कॉल्ड। माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में जो होमोजेनस सेल होती हैं, दीज आर नेम्ड एज। क्वेश्चन नंबर 52, हाँ गौरव ने कहा स्ट्रॉस बर्गर ने खोज की थी। यस वेरी गुड बेटा गौरव, 52 का आंसर। स्तुति, वेरी गुड बेटा, दैट इज नेम्ड एज स्पोरोजिनस टिश्यू। चलिए फिर से क्वेश्चन है 53, इनकरेक्ट ढूंढना है और इस तरीके से ऑप्शन बताने, नन भी हो सकता है। 53 में जल्दी से आंसर करिएगा, पांच ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
जल्दी से पढ़िए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टाइम मैं दे रहा हूं इस क्वेश्चन में क्योंकि इस क्वेश्चन में पांच स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, तो जल्दी से बताइए कौन सा गलत स्टेटमेंट है। कोई भी स्टेटमेंट यहां पर गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही, तो डी आंसर सही होगा, नन ऑफ द अबव। चलिए ये फिगर पहचानिए, रिकग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये आप यही पहचान लीजिए, यहीं से पता चल जाएगा, ये ए हो गया, ये बी आपको दिखाया गया और फिर आपको सी डी और ई दिखाए गए हैं। तो चलिए फिगर आपने देख लिया, आप स्टेटमेंट देखिए यहां पर, क्वेश्चन नंबर 54 जल्दी से पहचानिएगा, बहुत आसान है बेटा, 54 को पहचानना बहुत ही आसान है, जल्दी से करेंगे। आज कुछ क्वेश्चन लेंदी थे लेकिन बेटा इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यस सफी, वेरी गुड बेटा। नीलोफर, अनामिका, कनिका, लवली, दानिश, शना, महिमा, संतोष, अक्षय, प्रतीक्षा, अर्शिफा, रंजीत, करण, शीतल। 54 में क्या आंसर किया बेटा आपने? 54, लवली, आंचल, सान, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। रूपाली, तृप्ति, अंतिमा, तेजमान, अंजू देवी, वेरी गुड बेटा, सी आंसर यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक स्टेमेन हैज टू पार्ट, द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द। अभी जो फिगर दिखाया था उसी से रिलेटेड ये थ्योरिटिकल पार्ट है बेटा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 55 में आंसर करेंगे द टिपिकल एंजियोस्पर्म, जल्दी से आंसर करेंगे 55। यस लवली, प्रतिभा, स्तुति, वेरी गुड बेटा। देखिए यहां पर जो स्टॉक होती है उसे फिलामेंट कहते हैं और जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है उसे एंथर कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था क्रैश कोर्स में, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 56 जल्दी से करेंगे बेटा 56, अगले 10 मिनट में बाकी क्वेश्चन हमें करने हैं, जल्दी से बेटा स्पीड बढ़ाइए। यस आकांक्षा, वेरी गुड। बाइलोब होता है, डाइथिकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। अंजू, वेरी गुड बेटा। चलिए यहां पर भी इनकरेक्ट आपसे पूछा गया, लवली, सुमन, आशिब, मोहम्मद हसन, प्रिया, सुरुचि, सना, नीतू, करण, आकांक्षा, तृप्ति, रिजवान, राखी, अमित, धनाक्षी, इंद्रजीत, श्रेया, शाहिद, सबीना, कनिका, ऋचा, प्रशांत, कामिनी, सुंदरी, हंसिका, फिरोज, अंशु, शशि भूषण। चलिए तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 57 देख रहे हैं ना, इसके ऑप्शन इस तरीके से आपको करने हैं 57 में। तो चलिए जल्दी से 57 करिएगा, 57 भूमिका ने नन कहा, नहीं बेटा नन ऑप्शन ही में नहीं है, इनकरेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन। देखिए जल्दी से कौन कौन से इनकरेक्ट है, ए ऑप्शन देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन इज वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज, नहीं बेटा डिफरेंट स्पीसीज में, एक स्पीसीज में तो नंबर सेम ही रहेगा ना बेटा। अगर मान लीजिए लिलिएशी का कोई मेंबर है तो उसमें तो स्टेमेन 6 ही रहेंगे ना। फिर डी में क्या लिखा है, द एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर वन इन ईच लोब। 57 में द एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर वन इन ईच लोब लिखा बेटा, 2 इन ईच लोब होना चाहिए क्योंकि 2 लोब होते हैं, एक लोब में 2 होते हैं। तो यहां पर बेटा ए और डी, यस मोहम्मद मुख्तियार, ए और डी यहां पर गलत है बेटा, तो ए और डी गलत है, तो फिर इसका मतलब यहां पर सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, द बाइलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द, बाइलोब नेचर आसानी से कहां पर नजर आता है, जल्दी बताएंगे बाइलोब नेचर एंथर का किस सेक्शन में आसानी से नजर आता है बेटा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्तुति, वर्चिका, दीपचंद्र, यस ट्रांसवर्स सेक्शन बेटा, ट्रांसवर्स सेक्शन में आसानी से नजर आता है। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, ये फिगर आपको दिया गया, ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, अब मुझे पहचान के बताइए कि ए क्या है और बी क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 59 है बेटा आपकी स्क्रीन पे, ए क्या था, क्या ए चेस्मोगैमस था और बी क्लिस्टोगैमस था? यस 59, कितने बच्चों ने आंसर सही किया देखते हैं जरा यहां पर, रवि, सबिस्ता, मोहम्मद इमरान, यस मोहम्मद इमरान, वेरी गुड बेटा, ए चेस्मोगैमस है और बी क्लिस्टोगैमस यहाँ पर है। चेस्मोगैमस फ्लावर उन्हें कहते हैं जो नॉर्मली ओपन होते हैं, खिलते हैं, और क्लिस्टोगैमस जो कभी नहीं खिलते हैं। चलिए द मेल एंड फीमेल गैमिट इन एंजियोस्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, मेल गैमिट कहाँ बनते हैं, फीमेल गैमिट कहाँ बनते हैं, ए बी आपको पहचानना है। और फिर इन एंजियोस्पर्म बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट आर
डैश डैश दे हैव टू बी ब्रॉट टूगेदर फॉर डैश डैश टू अकर, द डैश डैश इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. अब ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, और जल्दी से आंसर करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 60. चलिए देखते हैं किसने आंसर सही किया है. अनामिका आपने गलत कर दिया बेटा 60 का आंसर. वानी बेटा भी आप 42 का आंसर करो बेटा, 60 पे हम पहुंच चुके हैं. स्तुति ने सही किया है, वेरी गुड. सबीना ने सही किया है, वर्चिका ने सही किया है, वर्चिका गुप्ता, वेरी गुड बेटा. दीपक यादव, यस डी ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा. पीडीएफ में आप बाद में चेक करिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोरो पॉलिनिन इज रॉन्ग. स्पोरो पॉलिनिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है बेटा. सेशन को जल्दी से सभी लोग लाइक करिए जल्दी से, और कल बिल्कुल मत भूलिएगा जो हमारी मैराथन क्लास है. 500 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा 5 घंटे में, और सारे टॉपिक हम टच करेंगे, सारे चैप्टर सारी यूनिट हम टच करेंगे. और अभी शाम को मिंटी कुछ होगी 4:30 बजे, जहां पर इसी चैप्टर के हम 50 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए 61 में आपने आंसर बताया, 61 में पूछा है कौन सा रॉन्ग है. दीप्ति राणा, अंजू, लवली, साक्षी, सहनवाज, गौरव, रमेश, शमन. यस स्पोरो पॉलिन अकर इन द एरिया ऑफ जर्म पोर ओनली. नहीं बेटा, स्पोरो पॉलिन जहां पर जर्म पोर होता वहां पर नहीं होता है, तो उल्टा लिखा हुआ है. मैच द कॉलम, जल्दी से बताएंगे. कॉलम मैच करेंगे बेटा यहां पर, मैच द कॉलम 1 एंड 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन. जल्दी से बताएंगे, कॉलम मैच करेंगे. बहुत आसान से एकदम फ्री के नंबर है बेटा यहां पर 62. 62 पीडीएफ बेटा शाहिद आपको मिल जाएगी. आप चाहें तो शाम को मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, यहां से आप ले सकते हैं, या फिर neetbooster.com पे आप रजिस्टर कर सकते हैं. 62 का आंसर. चलिए कौन कौन बच्चे सही कर रहे हैं बेटा. वानी आप बहुत पीछे चल रहे हो, 43 का आंसर अभी आप केवल कर रहे हो. रिफ्रेश करिए एक बार, ठीक है 62 का. यस समन, शिवानी, यस ए ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा यहाँ पर 63. जल्दी से बढ़िए बेटा, 4 मिनट में हमें खत्म करना है अगले 12 क्वेश्चन. पॉलिन ग्रेन आर एबल टू टॉलरेट एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड डेसिकेशन बिकॉज देयर एक्साइन कंसिस्ट ऑफ. जल्दी से आंसर करेंगे. शादाब, कोमल, सिमरन, अंजू, रिचा, रिजवान, अखिलेश, गौरव, वेरी गुड बेटा. स्पोरो पॉलिन होता है, इसकी वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं. रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग. ये देखिए ए है, बी है, सी है, डी है और ई है. ये आपको रिकॉग्नाइज करना है क्वेश्चन नंबर 64 में. जल्दी से रिकॉग्नाइज करके आंसर करेंगे. 64 में ए क्या था, बी सी डी आपको बताना है. 64 बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लवली ने आंसर सही किया है. 64 का सी आंसर होगा 65. व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन टू सेल, द वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. द वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट यहां पर सही है ये बताइएगा. वेजिटेटिव सेल के लिए क्वेश्चन नंबर 65, वेरी गुड. बहुत बढ़िया आंसर आप कर रहे हो दीपक यादव, वेरी गुड बेटा. बी आंसर होगा ए सी डी. वेजिटेटिव सेल बिगर होती है, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, लार्ज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस होता है, लेकिन स्पिंडल शेप नहीं होती. ये गलत था यहाँ पर. टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड इज ऑफ, इसमें गलती आप कर सकते हो. दुनिया का सबसे टॉल फ्लावर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 66. वर्चिका, स्तुति, वेरी गुड, कैलाश नाथ, दैट इज एमार्फोफिलस. बेटा बहुत सारे बच्चे रेफ्लेशिया कर रहे हैं. बेटा रेफ्लेशिया टॉलेस्ट नहीं होता, रेफ्लेशिया लार्जेस्ट होता है. रवि ने गलत कर दिया बेटा, ध्यान से पढ़िएगा, एनसीईआरटी ने आपको दिया इसके बारे में. क्वेश्चन नंबर 67, अरेंजमेंट ऑफ फोर वॉल लेयर इन माइक्रोस्पोरेंजियम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. ध्यान से पढ़िएगा, इनसाइड से आउटसाइड आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 67 में. जल्दी से आंसर करिएगा 67. डॉक्टर पीहू, दानिश, वेरी गुड बेटा. कई बच्चों ने गलत किया, डी होगा बेटा, टेपिटम, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम एंड एपिडर्मिस. चलिए रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग. ए को पहचान लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा. ए बी सी डी ई और एफ तक आपको पहचानना है क्वेश्चन नंबर 68 में. ऑप्शन में आपको दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 68 में ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं. चलिए जल्दी से करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर. सबसे पहले किसने किया देखते हैं, और किसका आंसर यहां पर सही है. 6 फीट हाइट होती, लवली गुप्ता, यस डी आंसर बेटा सही हो जाएगा 68 का. 69 पे चलते हैं. इन एंजियोस्पर्म द फंक्शनल मेगा स्पोर इन द लीनियर टेट्राडिस जनरली. ये एनसीआरटी के बाहर का है बेटा. 4 मेगा स्पोर बनते हैं,
टेट्राड मेगास्पोर का बनता है और लीनियर होता है, तो इन चार में से जो फंक्शनल होता है वो कौन सा होता है? 69, दो तरीके से आंसर कर सकते हैं 69 के लिए। यस, आकांक्षा ने आंसर सही किया है, दीपक यादव, फोर्थ फ्रॉम माइक्रोपाइलर या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट फ्रॉम द चलाजल एंड। क्वेश्चन नंबर 70, जीनोगैमी इज, जल्दी से आंसर करिएगा, जीनोगैमी किसे कहते हैं? 70, चलिए जल्दी से आंसर बेटा कमेंट करिए जल्दी से। पांच क्वेश्चन और हमें करने हैं। राखी, यस, पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, दो अलग प्लांट के फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होता है दैट इज नेम्ड एज जीनोगैमी। क्वेश्चन नंबर 71, द फॉलोइंग फिगर इज शोविंग द अमेज्ड डाइवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर सीन इन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, दीज माइक्रोग्राफ आर टेकन बाय, ये जो फिगर है ये पॉलन ग्रेन के फिगर ही किस माइक्रोस्कोप से लिए गए? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट या कंपाउंड? और बेटा ये एनसीईआरटी मैंने आपको बताया था सोनू, वेरी गुड बेटा, दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिए गए हैं। 71 का ए आंसर सही हो जाएगा। 72, एन एंथर हैविंग फोर माइक्रोस्पोरोसाइट सेल प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, बेटा फोर माइक्रोस्पोरोसाइट, ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आज आपको कराया भी था जो हमारा न्यूमेरिकल सीरीज, उसमें मैंने कराया था, एक एंथर में फोर माइक्रोस्पोरोसाइट है, कितने पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे? माइक्रोस्पोरोसाइट का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल। 72, यस, अहमद अब्दुल्ला, वेरी गुड, 16 बेटा, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो चार से ऑब्वियस है 16 बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया है, पंकज, सबा शेख, ऋचा, साक्षी, वेरी गुड, मोहम्मद मुख्तियार, वेरी गुड बेटा। चलिए, द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ फोर सेल, द माइक्रोस्पोर टेट्राड एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इन टू, जब माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होंगे तो किसमें डेवलप होंगे? क्वेश्चन नंबर 73, यस, आप आंसर कर सकते हो बेटा पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट, तो अगर आपने डी आंसर किया है तो आपका आंसर एकदम सही है, 73 का आंसर डी हो जाएगा। 74 पे चलते हैं बेटा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इन फ्लावरिंग प्लांट मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग, फ्लावरिंग प्लांट में मियोसिस कब होती है? जल्दी बताएंगे, पॉलिंग एंड फॉर्मेशन के समय, सीड फॉर्मेशन के समय, गैमिट फॉर्मेशन के समय, सीड जर्मिनेशन के समय, मियोसिस कब होती फ्लावरिंग प्लांट में? क्वेश्चन नंबर 74, प्रतिभा राव, वेरी गुड बेटा, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन के समय, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किससे होता है? पॉलन मदर सेल से, और पॉलन मदर सेल में मियोसिस होने से पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलिनेशन इन लोटस इज कैरीड आउट बाई, लोटस ध्यान दीजिए एक्वेटिक प्लांट है, तो इसमें पॉलिनेशन कैसे होगा? विंड से, वाटर से, या इंसेक्ट से, या ऑल? जल्दी से आंसर करेंगे, लोटस, कमल में किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है? 75, साक्षी राय आपने गलत कर दिया बेटा, इंसेक्ट के द्वारा होगा, नॉट ऑल द एक्वेटिक प्लांट सो पॉलिनेशन बाई द वाटर, द मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट आर पॉलिनेटेड आइदर बाई द इंसेक्ट और द विंड, लेट्स क्लियर बच्चों, इस बात को एकदम अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे कि सभी एक्वेटिक प्लांट में विंड के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता, लोटस एक एक्वेटिक प्लांट है लेकिन इसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो ये ज्यादातर बच्चों ने गलत किया है, मानसी ने सही किया है, या समन ने सही किया, जिन्होंने सी आंसर किया उनका एकदम सही था बेटा यहाँ पर। चलिए तो बेटा ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं और बातें भी करते रहेंगे जो जरूरी है, ठीक है। एनिमल्स इन विच डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट एंड दे लिव फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग आर कॉल्ड, चलिए जल्दी से आंसर करना स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे आप सभी बच्चों। ये सब बेटा क्रैश कोर्स में एनसीईआरटी में दिया गया, मेनली हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही लेंगे लेकिन एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। यस, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया है, इन्हें ओवी पैरस कहा जाता है, जहां पर जायगोट का डेवलपमेंट, बेटा देखिए दो चीजें ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ लेकिन जायगोट का जो डेवलपमेंट है ऑर्गेनिज्म में वो बॉडी के बाहर होता है, तो इसे ओवी पैरस कहते हैं। अब मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि किन वर्टिब्रेट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ओवी पैरस कंडीशन पाई जाती है, ध्यान से सुनिएगा,
इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्लस ओवी पेरस डेवलपमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, आप आंसर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर टू पे हम पहुंच चुके हैं, जल्दी से बेटा सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पे बेटा, थोड़ा सा साइज और बड़ा कर देता हूँ। एनिमल इन विच डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट, दैट इज दे गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड, गिव बर्थ टू यंग वंस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। यस, गौरव ने सही आंसर किया, जो पिछला क्वेश्चन मैंने पूछा था बेटा, बर्ड और मैमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ ओवीपैरस डेवलपमेंट पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओवीपैरस, ऑर्निथोरिंकस भी सही जवाब है। वेरी गुड, ऑर्निथोरिंकस भी सही जवाब है, रेप्टाइल बर्ड एंड ऑर्निथोरिंकस। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर भी दैट इज वीवीपैरस कंडीशन। वीवीपैरस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और बच्चे का डेवलपमेंट भी माँ की बॉडी के अंदर होता है। ज्यादातर ये कंडीशन पाई जाती कहाँ पर, मैमल्स में प्रेजेंट होती, ज्यादातर मैमल में, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी हैं जैसे ऑर्निथोरिंकस। तो टू का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाई कैलकेरियस सेल आर फाउंड इन, ध्यान रखिएगा बेटा, फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाई कैलकेरियस सेल आर फाउंड इन। कैलकेरियस सेल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच होता है, उससे अंडे कवर्ड होंगे कहां पर, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर थ्री में। यस, थ्री का आंसर भी आ चुका है, रेप्टाइल एंड बर्ड, नीलम वाजपेयी, दीक्षा, आदर्श। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ। अगर कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करता है तो ये किसकी शुरुआत है, किसकी शुरुआत है, जल्दी से बताएंगे। जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज या रिप्रोडक्टिव फेज या सेनेसेंट फेज, इसमें भी बच्चे गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, इशू, आयुषी, प्रतिभा, शैलेंद्र। वेरी गुड बेटा, दैट इज द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जब किसी प्लांट में फ्लावरिंग की शुरुआत होती है तो इसका मतलब ये कि उसमें रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। बेटा ये क्रैश कोर्स मैंने फिगर आपको इंडिकेट किया था और आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से आप पहचानेंगे कि किसका फिगर है, और ये मेल और फीमेल थैलस बेटा आपको पहचानना है। मेल और फीमेल थैलस को कैसे पहचानेंगे, ये आप देखिए। डॉक्टर पीहू ने आंसर किया है, वेरी गुड दीपक यादव, यस ए हो जाएगा बेटा। जो ए वाला फिगर है फीमेल थैलस है और बी वाला फिगर मेल थैलस को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा किसका थैलस है ये भी मुझे बताइए, कौन सा प्लांट आपको यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, इस प्लांट का जल्दी से नाम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव में जो प्लांट आपको दिखाया गया, इस प्लांट का नाम बताइए जल्दी से, जल्दी से इसका नाम बताएंगे आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर, यस, आयुष, अंश, गौरव, मार्केंशिया बेटा है, ये मार्केंशिया है, ठीक है, मार्केंशिया। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे हम पहुंच चुके हैं, मेनी मैमल विच आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज आर कॉल्ड। जो मैमल अपने रिप्रोडक्टिव फेज में पूरी फेज के दौरान एक्टिव होते हैं, दीज आर नेम्ड एज। वेरी गुड, कामिनी, तृप्ति, रागिनी, वेरी गुड, अजाज, वेरी गुड। कंटिन्यूअस ब्रीडर कहा जाता है इन्हें, कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर का कोई एग्जांपल अगर आप जानते हो तो बता सकते हैं, कोई ऐसा मैमल जो कंटिन्यूअस ब्रीडर हो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, कोई कंटिन्यूअस ब्रीडर जिसका एग्जांपल आप जानते हो जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। और क्वेश्चन नंबर सेवन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बेटा, ज्यादातर बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। गौरव ने कहा है यस, मैन, मैन की बात करें ह्यूमन, यस ह्यूमन बेटा कंटिन्यूअस ब्रीडर होता है। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन में कोई सीजन नहीं होता है, हर सीजन में बच्चे पैदा होते हैं, यानी ह्यूमंस कोई सीजनल ब्रीडर नहीं, दैट इज कंटिन्यूअस ब्रीडर। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हेन टू पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट इज कॉल्ड। चलिए जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर। शबा शेख, अमर हयात, वेरी गुड बेटा, दैट इज नेम्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा जब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में
मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो फिर निश्चित रूप से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहलाएगा। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे खास बात है फ्यूजन ऑफ द गैमेट, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम पहुंच चुके हैं। वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ए सर्टेनिटी, दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट, यानी दुनिया में कोई भी अमर नहीं है लेकिन किसको छोड़कर कुछ एक्सेप्शन है। यस रोशनी नाज, वेरी गुड बेटा। सुनील कुमार मिश्रा, यस बेटा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अमीबा, पैरामीशियम और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है दोनों, तो जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में नेचुरल डेथ नहीं होती है, यानी ये इमॉर्टल होते हैं। और इमॉर्टल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटा यहाँ पर इनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती, ये जब रिप्रोड्यूस करते तो इनकी खुद की बॉडी दो डॉटर में डिवाइड हो जाती है। क्लियर, चलिए जल्दी से बढ़ते रहेंगे बेटा। अगले सवाल पे हम पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। मैच द कॉलम, एकदम फ्री का नंबर होता है हमेशा मैं आपसे कहता हूं, तो जल्दी से मैच करके मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में गलतियां कर रहे हैं बेटा आप लोग। स्नेह ने गलत कर दिया, आशुतोष ने गलत कर दिया, प्रीति ने सही किया, साक्षी ने सही किया है। 9 का आंसर 1 हो जाएगा बेटा यहाँ पर, यानी कैलकेरियस सेल रेप्टाइल में आपको मिलेगा एग में। प्राइमेट मैमल की बात करते हैं तो बेटा एप को मैच कर सकते हो यहाँ पर। नॉन प्राइमेट की बात करें तो डॉग हो जाएगा। आइसोगैमेट क्लेडोफोरा में, हेट्रोगैमेट फ्यूकस में, ये सब एनसीईआरटी में आपको दिया गया और सब कुछ क्रैश कोर्स में मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 10, एनिमल विच पजेस क्लेडोइक एग एग्जिबिट। चलिए ये बहुत बढ़िया सवाल, ये एनसीईआरटी के बाहर का है। क्लेडोइक एग का मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, क्लेडोइक का मतलब कैलकेरियस, यानी जिन एग के ऊपर बेटा कैलकेरियस शेल पाया जाता है उसे क्लेडोइक एग का नाम दिया जाता है। तो जिन एनिमल में क्लेडोइक एग होता है उनमें क्या होता है। शान, वेरी गुड बेटा। ईशू सिंह, मोहम्मद मुख्तियार, यस बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। बेटा कैलकेरियस सेल कहाँ पे आपने देखा, अभी मैंने पहला क्वेश्चन कराया था रेप्टाइल और बर्ड में, तो रेप्टाइल और बर्ड में फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है लेकिन डेवलपमेंट कैसा है, एक्सटर्नल होता है, जिसे आप कहते हैं ओवीपेरस डेवलपमेंट। बहुत कुछ सीखेंगे बेटा, बस आपको कंटिन्यूअसली आंसर करना है, कंटिन्यूअसली आपको क्रैश कोर्स करना है, कंटिन्यूअसली लगे रहना है। संडे को 5 घंटे की क्लास मैं लूंगा, ठीक है। आप सोचिए 5 घंटे में मैं आपको क्या कराने जा रहा हूँ। संडे को 12 बजे से 5 बजे क्लास में करने वाला हूँ बेटा, और उस 5 घंटे की कंटिन्यूअस क्लास होगी। बीच बीच में गैप दूंगा मैं 5-5 मिनट का, ठीक है, 2-2 घंटे के बाद। तो चलिए बताइए, गेस करिए कि उस 5 घंटे में हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भी बताइए, इस प्रोसेस के बारे में बताया गया। प्रतिभा, स्नेह, मोहित, यस, जो बेटा प्रोसेस आपको बताया गया, जिस प्रोसेस की वजह से कॉन्टिन्यूटी मेंटेन है लाइफ की, दैट प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन, वेरी गुड। तो संडे को बेटा एक हमारी बहुत बड़ी क्लास होगी, 5 घंटे की एक क्लास हम लोग करेंगे। रागिनी ने कहा है रिवीजन, आदर्श कह रहे हैं रिवीजन, प्रीति कह रही क्वेश्चन, स्पार्क ने कहा है कि रिवीजन, अच्छा डॉक्टर पे उन्हें कहा सारे क्वेश्चन के, सारे चैप्टर के क्वेश्चन कराएंगे। दीपेश कह रहे हैं कुछ नया, वैसे पीहू ने सही गेस किया है, सारे चैप्टर के क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, है ना। यस मेगा क्लास होगी हमारी, और इस मेगा क्लास में 5 घंटे में महाभारत चलेगी उस दिन, 5 घंटे पूरी महाभारत चलेगी, और उसमें पूरे 38 चैप्टर के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 500 सवाल, 500 सवाल और 5 घंटे तो मैंने रखा, हो सकता कि मैं और जल्दी करवा दूं, क्योंकि आपने देखा कि 45 मिनट में या 40 मिनट में हम 75 क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, है ना। इसका मतलब ये है कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं इजिली, ठीक है बट अभी तक नहीं, जितने भी एनसीईआरटी में चैप्टर 38 चैप्टर ना, सबके क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरा आपका, जितना भी एनसीईआरटी है ना पूरा मैं रिवीजन आपको करा दूंगा, ठीक है। और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही हम रखेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन हम रखेंगे जो ज्यादा आपसे गलत होते हैं, जो ज्यादा आपसे गलत होते हैं उन क्वेश्चन को हम रखेंगे, जहां पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जो क्वेश्चन ज्यादातर याद करने वाले होते हैं वैसे क्वेश्चन मैं रखूंगा, और 5 घंटे में आपको 500 सवाल मैं करा दूंगा।
ठीक है, डिस्कशन बेटा लाइव सेशन में करेंगे तो डिस्कशन भी करते रहेंगे और मजा आएगा उस दिन। 5 घंटे जब क्लास करोगे ना, आप कहोगे कितना सीख लिया, 500 सवाल तैयार। और जब आपका नीट होगा ना बेटा, तो नीट के बाद मैं बताऊंगा भी कि कितने सवाल आए, जो मैंने 500 सवाल करे उसमें से कितने सवाल आए। ठीक है, आप बस लगे रहिएगा, नीट में जितने भी सवाल आएंगे ना, लगभग सब कुछ हम टच कर लेंगे। इतने सवाल मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग फिगर शोज। बहुत आसान सा फिगर है बेटा ये। फिगर जो आपको दिया गया, फिगर आपको क्या बता रहा है? हाँ नीतीश मिश्र, रिकॉर्ड तो बनेगा बेटा। 500 क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा कि कोई करवा रहा है, या 5 घंटे में कोई करवा सकता है। ये हम ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि तो लोग 1 घंटे में 10-15 क्वेश्चन कराते हैं, वो भी बायो में, है ना। फिजिक्स के लिए रिया, फिजिक्स के लिए बेटा हम लगातार कर रहे हैं, 60 क्वेश्चन रोज आपको कराए ही जा रहे हैं। रिचा थैंक यू बेटा। मुशर्रफ वेरी गुड। राज बेटा, यहाँ पर अगर आप डी ऑप्शन तक नहीं जाओगे तो फिर गलत होगा। दैट इज अनइक्वल बडिंग इन ईस्ट। बेटा ईस्ट आप पहचान रहे हो, इसमें बडिंग पहचान रहे हो, लेकिन सी ऑप्शन में इक्वल बडिंग लिखा, इसलिए गलत बेटा। एक स्मॉल बड बनती है तो ये अनइक्वल बडिंग का केस बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्रैश कोर्स में भी डिस्क्राइब किया था कि बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इट सेल्फ इज कॉल्ड। अरे, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर ऑर्गेनिज्म अपनी तरह के बच्चों को पैदा करता है, उसे उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13, यस सगुन, दैट इज नेम्ड एज रिप्रोडक्शन। इसमें तुम लोग बहुत तेज आंसर कर रहे हो, इसे मुझे कहना नहीं पड़ रहा कि आंसर जल्दी करना है ना। बहुत होशियार हो, तो तुम लोग का फेवरेट टॉपिक चल रहा है। तो अभी तो ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चल रहा है, अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा जब तीसरा चैप्टर, तब क्या हाल होगा। तुम लोग इतनी तेज अगर यहाँ पे आंसर कर रहे हो, तो वहां मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आने से पहले ही है। और सेशन को लाइक भी करें, उसमें भी ना शर्माए। अगर इसमें नहीं शर्मा रहे हैं, उसमें भी नहीं शर्माना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट। ध्यान दीजिएगा, सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। यस, दैट रिप्रोडक्शन इज नेम्ड एज 14 में। यस वेरी गुड बेटा। आयुष, पुनीता, मोहम्मद इमरान, यस दैट इज नेम्ड एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, हमारे चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, उनको भी इनवाइट करें इस सेशन के लिए, और संडे के सेशन के लिए तो जरूर ही करें। बाकी मेंटी के लिए और लाइव सेशन के लिए भी अपने फ्रेंड्स को जरूर इन्वाइट करें, उनको भी अच्छा लगेगा। आप उनके लिए कुछ बेहतर करोगे, उनको अच्छा लगेगा, तो वो भी आपको दुआएं देंगे, आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन। अब जितने एग्जाम्पल हो सकते हैं वो सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे, आपको सेलेक्ट करना है इनमें से कौन सा सही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 15, दानिश अंसारी, रूपाली, वेरी गुड बेटा, डी आंसर हो जाएगा, यानी रोटीफर हो जाएगा बेटा। रोटीफर के अलावा बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा हनी बी, हनी बी के अलावा सम लिजर्ड हो जाएगा, और तुर्की बर्ड। ये 4 केस एनसीईआरटी ने दिए जहां पर पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है बेटा। पार्थिनोकार्पी अलग है और पार्थिनोजेनेसिस अलग प्रोसेस है, दोनों अलग घटनाएं। इन रेप्टाइल बर्ड मैमल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म द फर्टिलाइजेशन इज। बेटा मैंने आपसे कहा था एक्सटर्नल आप याद रखिएगा, तो इंटरनल आप आसानी से कर लोगे। रेप्टाइल बर्ड मैमल जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? सगुन बेटा आपने गलत किया है आंसर। ठीक है मुशर्रफ, आपने सही किया बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बेटा। एक्सटर्नल में खास तौर से आपको याद रखना है बोनी फिशेस के बारे में, एल्गी के बारे में आपको याद करना है, और एम्फीबियन के बारे में आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बेटा, पंचानन महेश्वरी इनकरेज्ड जनरल एजुकेशन एंड मेड ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्कूल एजुकेशन बाई हिज लीडरशिप इन ब्रिंगिंग आउट द वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश बाई एनसीआरटी इन। सबसे पहली जो टेक्स्ट बुक थी एनसीआरटी की, जो आजकल हम लोग पढ़ भी रहे हैं, इसका पहला एडिशन पंचानन महेश्वरी के लीडरशिप में आया था। कब आया था ये आपको बताना है। यस, स्तुति इशू मुख्तियार, 1964 में पब्लिश किया गया था। और बेटा ये एनसीआरटी ने आपको बताया है, जो चैप्टर की शुरुआत में आपको दिया गया, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी था बेटा। अगर आपने क्रैश कोर्स को पढ़ा होता तो आप भी आंसर कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए तो अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18।
द फॉलोइंग फिगर शोज, ये जो फिगर आपको दिखाया गया फिगर क्या इंडिकेट करता है जल्दी से बताएंगे। ये तो दिखाई दे रहा है कि बेटा ये जायगोट बन रहा, मतलब कुछ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और ये फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, सुनील कुमार स्तुति, यस बेटा स्तुति आपने सही किया है, रूपाली यस बेटा, होमोगैमेटिक कॉन्टेक्ट इन एल्गा, बेटा ह्यूमन में देखिए ह्यूमन में दोनों गैमेट अलग अलग साइज में होते हैं, शेप में होते हैं, यहाँ पर दोनों गैमेट एक जैसे, इसलिए होमोगैमेटिक कहेंगे इसे, यानी दोनों गैमेट सिमिलर साइज में हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडो जिम्नो एनजीओ एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, जल्दी बताएंगे। यहाँ पर बेटा चारों ऑप्शन अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आपसे गलती हो जाएगी, जबकि आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ने जरूरी हैं, जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम पहुंच चुके हैं, डॉक्टर पीहू, वेरी गुड बेटा, नीतू आकांक्षा अनश, यस डी हो जाएगा बेटा। देखिए ये जो ऑर्गेनिज्म आपको बताया गया इनमें डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी होती है, और डिप्लॉयड अगर है बेटा तो गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा, मियोसिस से गैमीट का फॉर्मेशन होगा। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमीट मियोसिस से बनते हैं, और हैप्लॉयड में माइटोसिस से गैमीट का फॉर्मेशन का बेटा बहुत बेसिक चैप्टर है, और इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चल रहे हैं इस समय बेटा, 20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड, ग्रोथ किस पीरियड को क्या कहते हैं, यस 20 का आंसर बेटा यहाँ पर हो जाएगा, पीहू ने सही किया, प्रतीक ने सही किया है, वेजिटेटिव फेज इन प्लांट एंड जुवेनाइल फेज इन एनिमल। क्वेश्चन नंबर 21, इन सम एल्गी द टू गैमेट आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट, दीज गैमेट आर कॉल्ड, अगर मेल और फीमेल गैमेट को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन मेल है कौन सा फीमेल है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन बेटा चारों नहीं पढ़ोगे तो गलती होगी आपसे, रोशनी नाज ने सही आंसर किया है 21 का डी, इन्हें हेट्रोगैमेट आप बेटा कह सकते हो, सॉरी होमोगैमेट कहोगे या फिर आइसोगैमेट कहोगे तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा, अगर गैमेट में आप अंतर नहीं कर सकते तो फिर आइसोगैमेट या होमोगैमेट कहा जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आइसोगैमेट या होमोगैमेट कहाँ पाए जाते हैं, एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल दिया बेटा ये एग्जाम्पल आप सबको पता होना चाहिए, जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में, और जो मैंने पूछा वो भी आप बताएंगे साथ में। शिवम बिल्कुल बेटा, अंश यस, क्लेडोफोरा एमान मोहम्मद मुख्तियार वेरी गुड बेटा, क्लेडोफोरा एनसीईआरटी ने, ताहिर रजा आकांक्षा मौर्य वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए, अर्चना ने सही आंसर किया, ए हो जाएगा बेटा यहाँ पर। कारा की बेटा अगर हम बात करते हैं तो कारा यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज मोनोइसियस, मार्केशिया डायसियस हो जाएगा, कुकरबिट मोनोइसियस होते हैं, साइकस की अगर हम बात करते हैं तो साइकस डायसियस होता है, और पाइनस मोनोइसियस होता है। बेटा साइकस और पाइनस का क्वेश्चन लगातार आपके नीट में पूछा जा रहा है, तो इनको अच्छी तरीके से आप कर लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट बाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ध्यान दीजिएगा बेटा, और चारों ऑप्शन पढ़िएगा, का आंसर यश स्तुति वेरी गुड बेटा, साक्षी आपने गलत कर दिया, शान ने सही किया है, आइदर ए और बी। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन सेम इंडिविजुअल से भी हो सकता है, और अपोजिट सेक्स के डिफरेंट इंडिविजुअल से हो सकता है। बेटा एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है, या फिर क्रैश कोर्स को सही तरीके से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताएंगे बेटा, ट्वेंटी फोर में आपसे पूछा गया इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट
बाईसेक्सुअल कंडीशन इज डिनोटेड बाई, बाईसेक्सुअल कंडीशन को फंजाई और प्लांट में किस नाम से डिनोट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर यस अर्चना, अनसंसारी, अनामिका, आशुतोष ने गलत कर दिया बेटा। जो बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है इस कंडीशन को होमोथैलिक या मोनोइसियस के टर्म से डिनोट किया जाता है फंजाई और प्लांट में। यानी यहाँ पर अगर एल्गी की बात करें, फंजाई की बात करें, तो उसमें ये टर्म आप यूज कर सकते हैं। अगला फिगर बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 25। द फॉलोइंग फिगर शोज द, जो फिगर बेटा आपको दिया गया ये क्या शो कर रहा है जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, वन थर्ड क्वेश्चन बेटा हम कर चुके हैं इस समय। बेटा सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे, जल्दी से लाइक करें सभी बच्चे सेशन को। 25 का आंसर आशु, गौरव, पूजा, भूमिका, शुभम, बाइनरी फिशन इन अमीबा। ये अमीबा में बाइनरी फिशन है बेटा यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 पे हम पहुंच चुके हैं। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ध्यान दीजिएगा, मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट या इंडिविजुअल के ऊपर है, दैट कंडीशन इज नेम्ड एज। एंजियोस्पर्म के लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में लगातार पूछा जाता है। 26 का आंसर यस सविस्ता अलवी ने किया है, दैट इज मोनोइसियस। अगर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे हैं, दैट कंडीशन इज नेम्ड एज मोनोइसियस। क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑन योर स्क्रीन, कमेंट फास्ट। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट, दैट कंडीशन इज नेम्ड एज। अब इस कंडीशन का नाम आपको बताना है 27 के लिए। तो दोनों टर्म बेटा अच्छी तरीके से आपको पता होने चाहिए। गौरव यस वेरी गुड बेटा, आर रिमान श्रीवास्तव, डायसियस कंडीशन कहते हैं। अगर मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट प्लांट पे हो, दैट कंडीशन इज नेम्ड एज डायसियस। कोई डायसियस प्लांट का जल्दी से नाम बताइए कमेंट करके, डायसियस प्लांट का नाम जल्दी से बताएंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टू मेथड यील्ड जेनेटिकली सिमिलर प्लांट, ये बढ़िया सवाल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। 28 के आंसर में 28 मनीष गुप्ता, मनीषा गुप्ता ने गलत किया बेटा। 28 का आंसर यस पपाया, वेरी गुड बेटा, पपाया हो जाएगा, डेट पाम हो जाएगा। 28 का आंसर भी बताइए, 28 का आंसर बच्चे गलत क्यों कर रहे हैं? जेनेटिकली सिमिलर प्लांट बेटा पूछा है, तो 28 का आंसर मुशर्रफ अहमद या सी हो जाएगा बेटा। 1 and 4 स्टेम कटिंग की अगर हम बात करते हैं और टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, तो इनसे जेनेटिकली सिमिलर प्लांट बनेंगे, लेकिन सीड प्रोडक्शन में बेटा वेरिएशन आएंगे और म्यूटेशन से भी वेरिएशन आएंगे, क्योंकि बेटा जो सीड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होने के नाते इनसे वेरिएशन क्रिएट होती है। मैच द कॉलम 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कीर्ति, अमित, शिवम, अहमान, दीक्षा, इन सभी ने सही आंसर किया है। 29 का आंसर बेटा यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कोकोनट। अभी आपने बताया कि कोकोनट डायसियस होता, सॉरी कोकोनट की बात करें बेटा तो कोकोनट मोनोइसियस होता है, पपाया डायसियस होता है। टेपवर्म की अगर हम बात करते हैं तो टेपवर्म यहाँ पर मोनोइसियस नेचर का होता है और अर्थवर्म भी मोनोइसियस नेचर का होता है। तो पपाया केवल यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया गया है ये डायसियस है, बाकी सभी एग्जाम्पल यहाँ पर मोनोइसियस हो जाएंगे। देखते हैं किसने आंसर, काव्या, सुरेश, नीतू, अनामिका, आकांक्षा, द्विका, इन सबने सही आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 30, ए हैप्लॉयड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमीट बाई, ध्यान दीजिएगा हैप्लॉयड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था हैप्लॉयड पेरेंट में गैमीट कैसे बनते हैं और डिप्लॉयड पेरेंट में गैमीट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। प्रभात, अखिलेश, वेरी गुड बेटा, यहाँ पर बेटा हैप्लॉयड पेरेंट में गैमीट माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं और डिप्लॉयड पेरेंट में गैमीट मियोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस होते हैं। दानिश अंसारी, आर्यमान, पीहू, मोहित, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर आप सभी बच्चे कर रहे हो। स्पीड और थोड़ी सी हम बढ़ाएंगे क्योंकि स्पीड थोड़ी सी अभी स्लो हमने रखी शुरुआत में। ताहिर रजा, अमित गुंजन, यस ताहिर आपने गलत किया, लेकिन आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इन ब्रायोफिलम द बर्ड दैट अराइजेस फ्रॉम द नोचेस ऑफ मार्जिन ऑफ लीव्स आर कॉल्ड, इन बर्ड को क्या कहते हैं? सान, इमरान, अखिलेश, इन्हें एडवेंटिशियस बर्ड के नाम से जाना जाता है। ये एडवेंटिशियस बर्ड कहलाती हैं। फिगर में आप देखिएगा बेटा, जो फिगर मैंने आपको पढ़ाया उसमें आपको ये बताया भी गया है। क्वेश्चन नंबर 32 पे हम पहुंच चुके हैं। 32 देखिएगा जरा, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग,
यहाँ पर सही फिगर पहचानना है और मैचिंग आपको बतानी है, करेक्ट मैचिंग आपको बतानी है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। तीन फिगर आपको दिए गए बेटा, तीनों फिगर मैंने डिस्क्राइब किए थे। चलिए इनके ऑप्शन नीचे आपको दिए गए हैं, ऑप्शन जरा चेक कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन से फिगर देख लीजिए और फिर ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 इस समय हम कर रहे हैं, 32 जल्दी से बताइएगा। 32 का आंसर देखिए जल्दी से, ऑप्शन चेक कर लीजिए बेटा। प्रिया यादव, वेरी गुड बेटा। पहला जो फिगर है वो आइसोगैमेट क्लेडोफोरा के हैं, बी फिगर हेट्रोगैमेट फ्यूकस के, और सी गैमेट हैं हेट्रोगैमेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये बेटा क्लेडोफोरा के आइसोगैमेट हैं, ये फ्यूकस के हेट्रोगैमेट हैं और ये ह्यूमन के हेट्रोगैमेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा 32 के लिए। 34 पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर बेटा ए में, बी में, सी में और डी में फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। और फिल इन द ब्लैंक चूंकि क्वेश्चन बड़ा है तो बेटा इसके ऑप्शन अगले पेज पे आपको दिए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है। ये ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, सेक्सुअल एसेक्सुअल हायर प्लांट और एनिमल में से क्या फिल करना है आपको। चलिए जल्दी से अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर चलिए जल्दी से करेंगे, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए आप, ठीक है। 33 के लिए, 33 का आंसर आर्यमान, शान वर्मा, प्रतिभा, आशु। 33 का आंसर बेटा सी हो जाएगा, यानी इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये कॉमन मोड होता है रिप्रोडक्शन का, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर बेटा हायर प्लांट फिल करोगे आप, हायर प्लांट और यहाँ पर एनिमल फिल करोगे। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है जो आपको आनी चाहिए। 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 पे चलते हैं, बर्ड और हेंस इन कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मतलब जहां पर उनको रखा गया पालने के लिए, जैसे कि पोल्ट्री फॉर्म की बात करते हैं, कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर। इन दिस केस लेइंग एग इज रिलेटेड टू, जल्दी से बताएंगे। अगर किसी मुर्गी को पोल्ट्री फॉर्म में, मुर्गी फार्म में रखा गया है और उससे अंडे प्रोड्यूस कराए जा रहे हैं तो इसका रिलेशन किससे है। 34 राज वर्मा, वेरी गुड बेटा। बोथ बी एंड सी कॉमर्शियल यूज है बेटा, ये कॉमर्शियल यूज और ह्यूमन वेलफेयर, मनुष्य के फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म सेल ऑफ प्लांट एक्स, ध्यान दीजिएगा, एंडोस्पर्म सेल ऑफ प्लांट एक्स एंड गैमेट ऑफ प्लांट वाई आर इक्वल, प्लांट एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली। ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, ध्यान से आप सोचिएगा 35 का आंसर क्या करना है आपको। एंडोस्पर्म सेल ऑफ एक्स और गैमीट ऑफ वाई आर इक्वल, तो जल्दी से आंसर करेंगे पुनीता का 35। दुर्गेश ने आंसर कर दिया है, इशू ने आंसर किया, राज ने, डी आंसर हो जाएगा बेटा। मैं करके दिखाता हूँ, अनियन की बात करें, कल बेटा क्रैश कोर्स अगर आपने पढ़ा होगा तो अनियन में 16 क्रोमोसोम होते हैं, 2n, ठीक है, 2n 16 क्रोमोसोम होते हैं। तो 16 क्रोमोसोम अगर 2n है तो बेटा अब एक्स प्लांट अगर अनियन है यहाँ पर तो इसके एंडोस्पर्म सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, एंडोस्पर्म में 3n होंगे। तो अगर 2n 16 है तो 3n कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ से कितने आप निकाल सकते हो, 8 निकालोगे तो 3n 24 हो गया। अब पोटैटो की बेटा बात करें तो पोटैटो में 2n कितना होता है, 48 होता है डिप्लॉयड नंबर। और इसमें गैमीट की बात करें बेटा तो गैमीट में एन नंबर होता है क्रोमोसोम का, तो एन कितना हो जाएगा, 24। तो देखिए अनियन में एंडोस्पर्म में 24 क्रोमोसोम है और पोटैटो में गैमीट में 24 क्रोमोसोम, दोनों सेम। यही पूछा गया है कि क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म सेल ऑफ अनियन एंड गैमीट ऑफ प्लांट पोटैटो आर इक्वल, एक्स और वाई आपको रिकॉग्नाइज करने थे। बहुत ही बढ़िया फ्रेम क्वेश्चन था ये। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 जल्दी से मैच करके बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बेटा, आंसर आपको पता होना चाहिए, मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर बेटा पता होना चाहिए आपको। 36 का आंसर, इसमें भी बच्चे गलत कर रहे हैं, स्तुति ने सही किया है, वन ऑप्शन सही होगा बेटा। यहाँ पर जेम्यूल की बात करें तो जेम्यूल स्पॉन्जेस में पाया जाता है, लीप बट ब्रायोफिलम में पाई जाती है, बल्बिल अगियो में है, ऑफसेट वाटर हाइसिंथ में, कोनिडिया पेनिसिलियम में, तो इसमें कोई गलती करने वाली बात है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, ट्रांजिशन बिटवीन द जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेजेस इन बोथ प्लांट एंड एनिमल इज मेंटेन्ड बाय, तीनों फेजेस के बीच में जो ट्रांजिशन है
बदलाव है वो कौन करता है, जल्दी से बताएंगे 37। और इसमें गलती आप कर सकते हैं, तो ध्यान से करेंगे आंसर 37। गौरव ने सही आंसर किया है। कई बच्चे यहाँ पर डी आंसर करें, जैसे सविता ने किया। नहीं बेटा, हार्मोन आंसर करोगे, एंजाइम और विटामिन नहीं होते हैं, हार्मोन ट्रांजिशन करने का काम करते हैं। हार्मोन के अलावा भी होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेक्शन बिटवीन, अब यहाँ पर भी फिल आपको करना है। एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन नंबर 38। जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे बेटा, और सभी बच्चे लाइक करेंगे, जल्दी से सभी लोग लाइक करिए। 38 का आंसर भी आशिम ने, मोहम्मद मुख्तियार ने, स्वाति ने कर दी। यहाँ भी हार्मोन आंसर होगा, यानी हार्मोन और इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, और ये ट्रांजिशन में भी रोल प्ले करते हैं। अब ये देखिए फिगर आपको दिए गए, अब पहचानना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। अब ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, अब ये आसानी से आप पहचान सकते हैं। देखिए चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए बी सी डी। जल्दी से आंसर करके बताइएगा इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 पे हम पहुंच चुके हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। 39 का आंसर समीक्षा, वेरी गुड बेटा, बी हो जाएगा। जो बेटा आपको ए दिखाया गया वो आइज आपको दिखाई गई, बी राइजोम दिखाया गया, सी लीफ बड आपको दिखाई, सी आपको बल्बिन दिखाया गया, और डी आपको लीफ बड दिखाई गई है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। द सिक्वेंशियल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी ग्रुप्ड इन टू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो घटनाएं होती हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 बेटा, क्रैश कोर्स जरूर रिवाइज करके आइए आप। क्वेश्चन नंबर 40 डॉक्टर पीहू, वेरी गुड बेटा। इसके अलावा प्रतिभा राव, वेरी गुड। 40 का डी, थ्री स्टेजेस, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप यूजेस वाटर एज मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसपोर्ट, कौन से प्लांट ऐसे हैं जो गैमेट ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर को मीडियम के तौर पे यूज करते हैं। जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, और सभी बच्चे सेशन को लाइक जरूर करेंगे। गौरव, आशिफ, पूजा, यस, ये आंसर बेटा यहाँ पर हो जाएगा। यानी एल्गी की बात करें, अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट के बारे में और टेरिडोफाइट के बारे में, एल्गी ब्रायो टेरिडोफाइट में गैमेट ट्रांसपोर्ट का काम वाटर के द्वारा किया जाता है, गैमेट ट्रांसपोर्ट वाटर से होता है। क्वेश्चन नंबर 42, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना इज फाउंड इन इंडिया इन, इसका कॉमन नेम भी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना का कॉमन नेम क्या है, जल्दी से बेटा कमेंट करके आप बताएंगे। और यहाँ पर जल्दी से स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना का कॉमन नेम और कहाँ पाया जाता है। 42, यस, जल्दी से भूमिका रावत, यस, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है, और इसको हाँ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, KKT। आशुतोष आनंद ने कहा, नील करोंजी अभी तोमर ने बताया, वेरी गुड बेटा। टेरर ऑफ बंगाल नहीं कहते प्रतीक, बेटा गलत कर, नील करोंजी कहा जाता है। टेरर ऑफ बंगाल तो वाटर हाइसिंथ होता है, नील करोंजी कहा जाता है इसे, नील करोंजी। एक बच्चे ने लिखा बेला करोंजी, अब बेला करोंजी मुझे नहीं पता, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा नील करोंजी, है ना, नीला होता है ये भी आप याद कर सकते हैं ना, नीला नाम है नील करौंजी। 43 का आंसर करेंगे। 43 में मैच द कॉलम, बेटा बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाए इन क्वेश्चन के थ्रू। 43 का राज वर्मा ने आंसर दिया डी, ऑल ऑफ द अबो, जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं सभी ऑप्शन यहाँ पर सही। बेटा देखिए दो चीज ध्यान रखिएगा, एनिमल के केस में और ज्यादातर प्लांट के केस में मोनोइसियस और बाइसेक्सुअल एक ही होता है, और डायसियस यूनिसेक्सुअल एक ही होता है, और बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। क्लियर, तो ये मैच कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 44, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जल्दी से यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताइएगा। 44 में कौन सा गलत है, जल्दी से कमेंट करेंगे। 44, मोहम्मद मुख्तियार, वेरी गुड बेटा, राज वर्मा, प्रतिभा राव, इसके अलावा अंकित तिवारी, वेरी गुड बेटा। 44 का डी ऑप्शन गलत लिखा था, फीमेल ऑफ द मार्शुपियल मैमल एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस, बट ये मार्शुपियल वर्ड गलत है यहाँ पर बेटा, मार्शुपियल की जगह पर कौन सा वर्ड होना चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। मार्शुपियल की जगह पर यहाँ पर क्या गलती है,
क्या सही करोगे ये कमेंट करके बताओगे। 44 का डी ऑप्शन गलत है, मार्शोपियल नहीं होगा वहां पर, मार्शोपियल की जगह पर क्या होगा ये बताइएगा। यस मुक्तियान ने कहा है प्लेसेंटल होना चाहिए, गौरव ने भी आंसर किया, सगुन ने भी आंसर किया प्लेसेंटल होना चाहिए। और 46 प्लेसेंटल बेटा होना चाहिए वहां पर, प्राइमेट नहीं होना चाहिए, प्लेसेंटल मैमल होना चाहिए। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा एनसीईआरटी या क्रैश कोर्स को। 45 मेनी मैमल स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट रिप्रोडक्टिव साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन में, तो क्या कहोगे आसान है। यस इशू वेरी गुड बेटा, दैट इज नेम्ड एज सीजनल ब्रीडर। और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन कंटिन्यूअस ब्रीडर के नाम से जाने जाते हैं, कुछ सीजनल ब्रीडर भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड एज, करे बुढ़ापे की निशानी क्या है, बुढ़ापे का पैरामीटर क्या है, जल्दी से बताएंगे। 46 नहीं बेटा, 46 में चारों ऑप्शन पढ़ तो लो, ज्यादातर बच्चे गलत कर रहे हैं। 46 डॉक्टर पीहू, यस बोथ एंड बी, द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज का खत्म होना और मेटाबोलिज्म का स्लो होना, ये बुढ़ापे की निशानी है। तो बुढ़ापे की निशानी क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज का खत्म होना और मेटाबॉलिज्म का स्लो होना, और क्वेश्चन का आंसर भी स्लो कर रहे हैं तो ये भी निशानी हो सकती है। अगर आप अपने जीवन में स्लो हैं तो ये भी हो सकता है कि समय से पहले आप बूढ़े हो रहे हैं। चलिए 47 पे आ जाते हैं, थोड़ा सा जोश बनाए रखना चाहिए ना, तुम लोग एकदम ले ढाले पड़ जाते हो कि अभी लगता है कि तुम बच्चे हो, अभी मुझसे 2-4 साल ही तो बड़े हो गए तुम लोग, है ना, तो अभी तुम लोग क्या उम्र है। अभी तुम लोग का ये हाल है कि 4-6 घंटे पढ़ लेते हो, कहते हो कि बहुत थक गए बेटा, तुमसे ज्यादा तो मैं पढ़ाई करता हूँ, 12-14 घंटे मैं पढ़ता हूँ, तो तुमको तो पढ़ना ही चाहिए चाहिए। चलिए बेटा फिगर आपने देख लिए, चलिए अब फिगर को मैच कराइएगा 47 में। बिना ऑप्शन दिए तुम लोग कैसे मैच करा दे, तो मैंने ऑप्शन दिखाया नहीं और 47 का आंसर आ गया बेटा, अभी ऑप्शन तो देख लो, तुम लोग बच्चे इतने नालायक हो, 47 का आंसर तक दे दे रहे हैं नालायक, अभी ऑप्शन तो देख लो। बेटा वैसे एक रूल होता है, जैसे अगर आपका जैसे हीमोग्लोबिन जब कम होता है ना, तो उसकी वजह से भी बहुत थकावट लगती है, तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो इसकी इसका मतलब हो सकता है कि इसकी वजह से आप थक रहे हो, तो अपना हीमोग्लोबिन जरूर टेस्ट करवाइए बेटा, ठीक है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जितना हीमोग्लोबिन होता है उतने घंटे आप काम कर सकते हैं। तो जैसे आपका हीमोग्लोबिन है 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड, तो आप 14 घंटे आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आंसर सी हो जाएगा, जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन देख लीजिए, ए जो दिए गए जो स्पोर है, बी कोनिडिया है, सी बडिंग है हाइड्रा में, और डी है यहाँ पर जेम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्जेस में। ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया, 48 पे चल रहे हैं। इंटरनल बड, ध्यान दीजिएगा, द इंटरनल बड ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज आउट अदरवाइज कॉल्ड, ये एनसीईआरटी के बाहर द इंटरनल बडिंग के बारे में बेटा आपसे पूछा है। द इंटरनल बड ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस आर अदरवाइज कॉल्ड, यस 48 का आंसर भी आ चुका है, दैट इज नेम्ड एज जेम्यूल। सविता चौधरी, सगुन, वेरी गुड बेटा, जेम्यूल कहा जाता है, जेम्यूल का फॉर्मेशन स्पॉन्जेस के अंदर होता है और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो बेटा क्या किसी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम आप मुझे बता सकते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज क्या है, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। और 49 पे हम बढ़ चुके हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम बताना है आपको। इन प्लांट द सर्टेन स्ट्रक्चर सच एज रनर, राइजोम, सकर, बल्ब आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग, दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, राजेश नायक, आयुषी ईशान, यस दैट इज स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला इज कॉल्ड फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एंड 49 का आंसर जैस्मिन ने कर दिया है, दीज आर नेम्ड एज वेजिटेटिव प्रोबिग्यूल, इन सभी स्ट्रक्चर को रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट, राइजोम, इन सभी को वेजिटेटिव प्रोबिग्यूल कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड, जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। जायगोट से एम्ब्रियो का बनना बहुत सीधा सा सवाल है बेटा, बहुत कठिन नहीं है, ये बहुत सीधा सा आंसर है जो आपको बताना है यहाँ पर। 50 सना खान, अमित कुमार, काजल, यस दैट इज नेम्ड एज एम्ब्रियो जेनेसिस,
गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन, स्पोरोजेनेसिस मतलब स्पोर का फॉर्मेशन, ऊजेनेसिस मतलब ओम का फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, है ना, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, नहीं थकान नहीं होनी चाहिए ना बेटा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 51 मैच द कॉलम। चलिए मैच द कॉलम में 51 का आंसर शान ने कर दिया, यस टू हो जाएगा बेटा यहाँ पर, यानी ओवी पेरस की बात करें बर्ड हो जाएंगी, वीवी पेरस की बात करें मैमल हो जाएगा, पार्थिनोजेनेसिस हनी बी में वेस्टेटिव प्रोपिक्यूल ट्यूबर हो जाएगा। बहुत सी सिंपल सा सवाल है बेटा, लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हर क्वेश्चन को बराबर सम्मान देंगे, एक ही नजर से हर क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन बराबर नंबर का है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर भी बच्चे कर रहे हैं, 52 जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर। 52 का आंसर, एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज, बेटा मैंने आपसे कहा था मैं पूछूंगा भी, संजोली वेरी गुड बेटा, आदित्य वेरी गुड, इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो, एसेक्सुअल की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा विकसित है, ज्यादा जटिल होता है और स्लो प्रोसेस होता है। इन पोटैटो सुगर केन बनाना जिंजर एंड डहलिया द न्यू प्लांटलेट इनवेरिएबली अराइज फ्रॉम, नए प्लांटलेट कहाँ से अराइज करते हैं, ये आपसे नीट में भी पूछा गया था बेटा, तो ध्यान से करेंगे। नोड और इंटर नोड में बच्चे गलत कर देते हैं जो कि आपको नहीं करना है। सगुन यस वेरी गुड, द नोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम, क्रैश कोर्स कराते समय इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट भी किया था और ये फिगर भी मैंने आपको दिखाया था। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, इस फिगर को देखिए और मैचिंग करके बताइए किस किस के फिगर हैं बेटा यहाँ पर, ए और बी क्या बताते हैं, ए और बी यहाँ पर क्या इंडिकेट करें, फिगर देख लीजिए और फिर आंसर करिए, ए क्या बताता है और बी क्या बताता है, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आपको करना है, ए और बी क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर, जल्दी से ए और बी। 54 का आंसर डी हो जाएगा, वेरी गुड बेटा, यहाँ पर जो ए है बेटा उस सीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं, ए यहाँ पर पेरिकार्प को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डी ऑप्शन बेटा हो जाएगा। 55 पे हम चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन, अनयूजुअल असाधारण फ्लावरिंग, मतलब ये सिंपल नहीं है, सिंपल फ्लावरिंग क्या है भाई हर साल फ्लावरिंग हो, लेकिन अनयूजुअल फ्लावरिंग कहाँ पाई जाती, दो केस मैंने आपको बताए थे, तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए अनयूजुअल फ्लावरिंग कहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो जेबा, वेरी गुड बेटा, 55 का आंसर हो जाएगा बम्बू एंड स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, इनमें अनयूजुअल फ्लावरिंग, कई बच्चे डी कर रहे हैं, नहीं बेटा बम्बू में कोई अनयूजुअल फ्लावरिंग नहीं पाई जाती, बम्बू बनाना में अनयूजुअल नहीं होती है, बनाना में अनयूजुअल फ्लावरिंग नहीं करोगे आप, बम्बू में और स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना में आंसर करोगे। इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोट डिवाइड बाई, ये मैंने आपको बताया था कि जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी उनमें जाइगोट में होगा मुशर्रफ, वेरी गुड, जाइगोट में मियोसिस होगी और मियोसिस से बेटा, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन नंबर 56, मियोसिस से गैमीट नहीं बनते मुशर्रफ, मियोसिस से हैप्लॉयड स्पोर बनते हैं, तो डी आंसर सही होगा। तो बच्चे बी कर रहे हैं उनका आंसर गलत है बेटा, डी होगा आंसर सोलानी यहाँ पर ज्यादातर बच्चे गलत करें, श्रद्धा अद्विका इन्होंने गलत किया है बेटा, मिस्टर स्पार्क आशीष यादव बेटा ज्यादातर बच्चों ने गलत किया था, क्योंकि आप अगर चारों ऑप्शन पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जल्दी से बताएंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है क्वेश्चन नंबर 57 में, जल्दी से करेंगे बेटा। 57 काव्य आपने गलत कर दिया बेटा, 57 का शान ने सही किया बेटा, 57 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, यानी ए और डी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हैं।
ए और डी यहाँ पर इनकरेक्ट है, चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। ए में लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट एंड एनिमल विद रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स गलत है, यहाँ सिंपल होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा व्हाइल इन एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज यूज्ड अनएम्बिगुअसली इन प्लांट द टर्म एसेक्सुअल, ये उल्टा लिखा है बेटा, जहाँ वेजिटेटिव यहाँ एसेक्सुअल होना चाहिए और जहाँ एसेक्सुअल यहाँ पर वेजिटेटिव होना चाहिए। तो ये दो स्टेटमेंट में गलतियां, इसलिए ए स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 मैच द कॉलम, ये क्वेश्चन मैंने ज्यादा इसलिए रखे क्योंकि नीट में 15-20 सवाल इस समय नीट में मैच द कॉलम टाइप के ही पूछे जाते हैं। बेटा सेशन को लाइक जरूर करें और अपना जो रूटीन है बेटा उसको मैनेज करें थोड़ा सा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप टाइम निकाल सकें, अपना टाइम टेबल एक फिक्स करें, ठीक है। साक्षी राय, इसके अलावा अखिलेश, वेरी गुड बेटा, ए आंसर हो जाएगा। जेम्यूल बेटा, पहले ही मैंने बताया स्पॉन्जेस में होते हैं, लीफ बर्ड ब्रायोफिलम में होते हैं, बल्बिल अगियो में, ऑप्सिट वाटर हाइसिंथ में और कोनिडिया पेनिसिली में, शायद क्वेश्चन रिपीट भी हुआ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 59 मोनोस्ट्रस एनिमल है, ये नया क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। रंगीला, बहुत खुश हो रहे बेटा तुम, मोनोस्ट्रस क्वेश्चन नंबर 59 एनसीईआरटी में नहीं, तो देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। साक्षी राय वेरी गुड, अर्शिफा, डॉक्टर पिहो, वन ब्रीडिंग सीजन इन ए ईयर, अगर एक साल में एक ब्रीडिंग सीजन होता है तो इसे मोनोस्ट्रस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जायगोट अंडरगोज, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब बेटा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के समय जायगोट में क्या होता है जल्दी बताएंगे, सेल डिवीजन होता है, सेल डिफ्रेंसिएशन होता है, मियोसिस होती है, या फिर बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 60 अर्शिफा, वेरी गुड बेटा आयुषी, बोथ ए एंड बी, सेल डिवीजन माइटोसिस भी होती है और सेल डिफ्रेंसिएशन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 61 बेटा कारा का फिगर दिया गया यहाँ पर, ए और बी आपको पहचानने, और मैंने आपको बताया था कि ऊपर कौन होता है और नीचे कौन होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए तो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर, किसी बच्चे ने किया जल्दी से, शान, आयुषी, वेरी गुड, प्रीति, ए एम शर्मा, सी आंसर होगा बेटा, जो ऊपर आपको दिया गया वो उगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है और नीचे यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन आपको दिखाया गया है, और ये फिगर और लैंग्वेज में कई बार आपके नीट में पूछा गया है। द मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी एंड फंजाई विच डायरेक्टली गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल आर कॉल्ड, जिससे डायरेक्टली नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, इन्हें क्या कहते हैं। जल्दी से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे बेटा। 62 का आंसर यज्जुस्पोर, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर आप सभी बच्चे कर रहे हो। सौरभ यादव, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 63 ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, अर्शलान, वेरी गुड बेटा, जैस्मिन, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स, यानी जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है इस टाइम को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पर, जल्दी से आंसर करेंगे। दैट पीरियड इज नेम्ड एज, क्वेश्चन नंबर 63 यस प्रतिभा, वेरी गुड बेटा, दैट इज नेम्ड एज लाइफ स्पैन। क्वेश्चन नंबर 64 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन पांच स्टेटमेंट बेटा दिए गए, अभी आंसर नहीं करेंगे, ठीक है, पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, ये पांच स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और फिर आंसर यहां पर आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो पहले आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को सही तरीके से और फिर आंसर करिएगा 64, देखिएगा जल्दी से आंसर करेंगे 64 में। आप ऐसे बता सकते हैं कि ए और बी है ना, इस तरीके से बी एंड सी, ऐसे भी जो भी आपको इनकरेक्ट लग रहे हो उनको आप इस तरीके से बता सकते हैं। साक्षी राय 64 आपने गलत किया बेटा, साक्षी, एजाज ने भी गलत किया है 64, मोहम्मद मुख्तियार ने भी गलत किया है, अनश ने सही किया है बेटा। यहाँ पर बेटा आंसर जो आपका हो जाएगा वो बी और ई, बी और ई यहाँ पर गलत हैं, तो इन एल्गी एंड फंजाई बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट और नॉन मोटाइल, ये गलत बेटा, दोनों तरह के गैमेट मोटाइल होते हैं। इन मोनोइसियस एनिमल सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, नहीं बेटा मोनोइसियस में सेम में बनते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा, स्टेटमेंट यहां पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 मैच द कॉलम 1 एंड 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन,
बेटा अमृता मैम, आज से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगी। तो प्रीवियस ईयर में जो भी 15-20 साल में जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको करा देंगी अगले 1 महीने में। तो आप उनके साथ ज्वाइन करिएगा। तो 1-1.5 बजे आपको क्वेश्चन कराएंगे और एग्जाम्पलर भी आपको कवर करवा रहे हैं। एग्जाम्पलर में वो मेंटी में क्वेश्चन आपको कराती है शाम को 6 बजे। हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन भी करेंगे 50 क्वेश्चन मेंटी में शाम को 4:30 बजे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर भी आ रहा बच्चों का, 65। इसमें बेटा क्रोमोसोम नंबर गैमीट में बताने हैं, गैमीट में ध्यान रखिएगा। शगुन वेरी गुड बेटा, पुनीता यस, सी हो आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बेटा बटरफ्लाई के गैमीट में 190 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर हाउस फ्लाई की बात करें बेटा तो हाउस फ्लाई में कितने हो जाएंगे, हाउस फ्लाई का आंसर हो जाएगा 6 क्रोमोसोम गैमीट में हो जाएंगे। डॉग की बात करें बेटा तो डॉग में 21 हो जाएंगे। कैट की बात करें तो कैट में 19 हो जाएंगे। और रैट की बात करें तो रैट में यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पे बेटा डॉग में 39 हो जाएगा। ठीक है, कैट की बात करें तो कैट में 19 हो जाएंगे और रैट में यहाँ पर 21 हो जाएंगे गैमीट में। तो बेटा गैमीट वाला आपको याद नहीं करना है। याद कौन सा करना है बेटा, आपको याद करना है डिप्लॉयड मियोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर याद करोगे, गैमीट में जब निकालना होगा तो इसको हाफ कर लोगे। क्लियर? इन ग्रेफ्टिंग, ये बेटा एनसीईआरटी के बाहर का सवाल है। ग्रेफ्टिंग में स्टॉक के बारे में आपसे पूछा गया। स्टॉक किसे कहते हैं? दो चीजें होती हैं, एक सियोन होता है और एक स्टॉक होता है। तो 62 का आंसर, 66 का आंसर, सॉरी 66 डॉक्टर पीयूसी हो जाएगा। पार्ट ऑफ रूटेड प्लांट जो होता है उसे स्टॉक कहा जाता है और जो सूट पार्ट होता है उसे सियोन के नाम से जाना जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से एक स्टेटमेंट सही है और बाकी 3 स्टेटमेंट गलत है। तो आपको सही वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है 67। 67 में जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। 67 का आंसर, 67 जल्दी से आंसर करेंगे। और सेशन को लाइक भी करिए बेटा सभी लोग। आयुषी वेरी गुड, ग्रेफ्टिंग इज डिफिकल्ट इन मोनोकॉट प्लांट एज दे हैव स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। ग्रेफ्टिंग डाइकॉट में आसानी से हो जाती है लेकिन मोनोकॉट में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है ग्रेफ्टिंग करना। ग्रेफ्टिंग का टॉपिक अब एनसीईआरटी में नहीं लेकिन आपके नीट में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, द फॉलोइंग फिगर्स, ये फिगर आपको पहचानना है। ऐसे मैंने इंडिकेट किया था क्रैश कोर्स पढ़ाते समय भी, ये फिगर आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 में भी गलत करें। दानिश अंसारी ने सही किया, 68 का आंसर बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ स्वीट पोटैटो। कभी भी फ्लावर के लिए मोनोइसियस और डाइसियस टर्म यूज नहीं करोगे, फ्लावर के लिए यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्म यूज करोगे और प्लांट के लिए मोनोइसियस डाइसियस टर्म यूज करोगे। ग्रेफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट एज दे। ग्रेफ्टिंग मोनोकॉट में क्यों डिफिकल्ट है, क्यों पॉसिबल नहीं? बेटा दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन अभी मैंने कराया था स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, वो भी आपको दिया जाता है और एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है 69 यहाँ पर, दे लैक कैम्बियम, दे लैक कैम्बियम। बेटा कुछ बच्चे सी आंसर करें, सी कैसे करोगे? ओपन वेस्कुलर बंडल कहाँ होते हैं, यहाँ तो क्लोज होते हैं ना, इसलिए नहीं पॉसिबल है। इनमें कैम्बियम होता नहीं, क्लोज वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं मोनोकॉट में और इसीलिए यहाँ पर ग्रेफ्टिंग नहीं हो पाती है। विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ फंजाई, ज्यादातर फंजाई में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? क्वेश्चन नंबर 70 पे हम पहुंच चुके हैं। मनीषा गुप्ता, यस, ज्यादातर फंजाई में एक्सटर्नल नहीं होता लेकिन बेटा ज्यादातर फंजाई में, फंजाई एल्गी की अगर हम बात करें, बोनी फिशेस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 70 में बेटा एक्सटर्नल नहीं होगा लेकिन एल्गी में, बोनी फिशेज में, एम्फीबियन में, इनमें होता है एक्सटर्नल। फंजाई में, ज्यादातर फंजाई में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होगा। तो 70 का बी आंसर होगा बेटा, 70 का बी आंसर करेंगे। ठीक है, ज्यादातर फंजाई में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही पाया जाएगा, इंटरनल होगा। बिल्कुल मानसिक गुप्ता, इंटरनल ही मानेंगे। ठीक है, इंटरनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद 4 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से कंप्लीट करिए। 71 इंटरनल ही होगा, बिल्कुल बेटा इंटरनल ही करेंगे। साक्षी राय 71, यस ए आंसर हो जाएगा। अखिलेश ने भी किया, इन ऑर्गेनिज्म
एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट इज नॉन मोटाइल बट इन सीड प्लांट द मेल गैमेट इज मोटाइल. गलत है बेटा, सीड प्लांट यानी जिम्नोरेंजियम में मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है. क्वेश्चन नंबर 72. देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड ऑन. क्वेश्चन नंबर 72 जल्दी से आंसर करेंगे, देखते हैं किसने आंसर किया है. या साक्षी राय, संतोष कुमार, डी आंसर हो जाएगा. हैबिटाट पे और इंटरनल फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है. अगले क्वेश्चन पे हम चलें, क्वेश्चन नंबर 73. चलिए यहाँ पर लाइफ स्पैन का एक कॉलम आपको दिया गया है, ऑर्गेनिज्म और उनकी लाइफ स्पैन पहचानी. जितने भी एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं वो सारे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए. क्वेश्चन नंबर 73 और यहाँ पर बेटा ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन आपको दिए गए 73 के, तो जल्दी से आप मैच करके और यहाँ पर आंसर करेंगे 73. चलिए मैं मैच करके आपको दिखा देता हूँ. 73 में ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं तो फ्रूट फ्लाई 2 वीक हो जाएगा, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक हो जाएगा, क्रो 15 ईयर हो जाएगा, पैरट 140 ईयर हो जाएगा, टॉर्टॉइस 100 to 150 ईयर हो जाएगा और क्रोकोडाइल 60 ईयर हो जाएगा. ये एनसीईआरटी में बेटा आपको दिए गए हैं, इनको जरूर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है. चलिए अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं, तो बेटा यहाँ पर 74 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाते हैं. विच इज इनकरेक्ट अबाउट फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है. चलिए जल्दी से आंसर करिए. 74 पीडीएफ बेटा मिल जाएगा. आकांक्षा बेटा टाइमिंग वैसे भी टाइमिंग बहुत ज्यादा चेंज हम नहीं कर सकते हैं, है ना. 74 पीडीएफ मिल गया बेटा. हाँ पीडीएफ हो सकता है अभी लिंक आपके पास आया हो. neetbooster.com पे रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास पीडीएफ आपके मेल पर आती रहेगी, ठीक है. 74 का आंसर यहाँ पर डी होगा बेटा. इनमें से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, नन ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर हो जाएगा नन. पीडीएफ मिल गया बेटा. जिन जिन बच्चों को मिला जल्दी से कमेंट करके बताएं जिनको पीडीएफ मिल गया है. अभी जस्ट मेल आपके पास आई होगी, ठीक है, और पीडीएफ अब सुबह ही आपको भेजी जाएगी, ठीक है. बिल्कुल मेल आ गई होगी बेटा, वेरी गुड. 75 लास्ट क्वेश्चन है आपका. द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेयर मार्क्स द बिगनिंग ऑफ. इसे सवाल एक बार आ चुका था ना, फिर से एक बार बता दीजिए. आयुषी, यस बेटा, इसे रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है. जब जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज खत्म होती है तो इसे नाम दिया जाता है रिप्रोडक्टिव फेज.